نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الأبدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تُوَسْرْ وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يَا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله آل هم دورة ترجمة القرآن من بايس و paragraphs begin हाँ जी सूर्य अहजाब हम शुरू कर चुके हैं हमने आपको बताया था कि सूर्य एजाब जो है सोशल नॉर्म्स के ऊपर है यानी कि जो कवानी दिए जाते हैं सोसाइटी के उसके मुतालिक सूर नाजिल हुई है ठीक है और सूर्य नूर और सूर्य एजाब दोनों में जो माशरे के कानून होते हैं सोशल नॉर्म्स होते हैं उसको डिस्कस किया गया है सूर्य नूर में घर के अंदर के कवानीन बताए गए हैं सूर अजाब में घर के बाहर के कवानी बताए गए हैं और सूर्य आजाब जो है सूर नूर से पहले नाजिल हुई है कुरान में तरतीब बाद में रखी गई है लेकिन नाजिल जो हुई है सूर्य आजाब पहले हुई है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लाम कीताद करेगी और नेकमल करेगी उसको हम दोहरा अजर देंगे अब ये हम जानते हैं कि हम पिछली लास्ट जो आया पढ़ के आए हैं यहाँ पर आयत नंबर थर्टी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजबाज मु से कहा जा रहा था कि अगर कोई खुली गुमराही या कोई गुनाह की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको दोहरा क्या दिया जाएगा गुनाह उसके आपको दोहरा सजा दी जाएगी क्योंकि आप जो है उम्मत के लिए रोल मॉडल है उम्मत के लिए एक मिसाली नमूना है अगर आपसे कोई गलती होगी तो आपको डबल क्या होगा उसकी सजा होगी और आप कोई नेकी का काम करेंगे तो आपको डबल अजर मिलेगा क्यों डबल अजर मिलेगा क्योंकि आपको फॉलो करके लोग उस पर अमल करेंगे आपने अगर कोई नेकी की तो लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कानून है ना कि अगर हम किसी को नेकी की तलकीन करते हैं नेकी की तरफ क्या करते हैं उभारते हैं तो क्या होता है कि हमें भी वो अजर मिलता है और फिर वो जो जो करने वाला है उसके अजर में कोई कमी नहीं होती है और अल्लाह सुबहान बताने वाले को भी अजर देते हैं तो उम्मत के लिए क्या है वो माए हैं उम्मत की माए हैं और माँ सबसे बेहतरीन रोल मॉडल होती है अपनी औलाद की है ना तो अल्लाह सुबहाना तला ने नबियों की जो बीवियां हैं उनको माए कहा और कहा अगर कोई गुनाह करोगी तो डबल आ, न, सजा होगी और अगर कोई नेकी करोगी तो डबल जजा होगी तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताद करेगी और नेक नकमल करेगी उसको हम दोहरा अज़र देंगे डबल अज़र देंगे और हमने उसके लिए रिस्क के करीब मुहैया कर रखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जबान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुबतला कोई शख्स लालच में पड़ जाए बल्कि साफ सीधी बात कहो यानी तुम्हारी जब जब तुम क्योंकि देखियो जो सहा महतो है आप अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनका ये भी काम था कि सहाबा अकराम को वो क्या करती थी इल्म दिया करती थी लेकिन इल्म मतलब तालीम का, का काम करती थी उनके लिए अः पतवे वगैरह जो होते थे जो आपसे वो सुनती थी वो तमाम का डिस्कशन जो होता था वो सब सहाबा अकराम सुनते थे અને આપ સલ્લાહુ અલે વસલમ કે વસાલ કે બાદ ભી બહોત અરસે તક ઉમ્માતુલ મુમિનિને таъલીમ કા કામ દર્શ કા કામ કિયા હે તો યે કેસે કરતી થી વો પડદા તો કરતી થી મતલબ પડદે મે ભી રહેતી થી સાથ મે એક ઓટ એક 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 જો બોડી વાલા પડદા હોતા હે વો ઓર એક જો ઝાહીરી પડદા હોતા હે ના જો દિવારો પર લગાયા જાતા હે ઉસ પડદે મે રહેકર દીન કા કામ કરતી થી તો અબ યહા પર ક્યા હુકમ દિયા ગયા आवाज तो लोग नाम है सुन रहे हैं सहाबाक नाम सुन रहे हैं तो आवाज में क्या नहीं होना चाहिए लचक नहीं होना चाहिए नरमी नहीं होना चाहिए और नरमी का नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि सख्त एकदम लठमारी जबान में बात किया जाए मतलब सीधी सादी जैसे नॉर्मल लैंग्वेज होती है हो, उसमें बात की जाए न जबान में इतनी लचक ना हो कि सामने अगर किसी के दिल में बीमारी है वो आवाज से क्या हो जाए अट्रैक्ट हो जाए और फिर गुनाह की तरफ माइल हो जाए तो आवाज जो है वो ऐसी होना चाहिए मतलब औरतें अगर किसी नाम एरम से जरूरत पड़ जाए अब जैसे कोई हमें मार्केट जाने की भी जरूरत पड़ जाती है तो नो गिगलिंग हंसना हंसाना और फिर उनके साथ मजाक करना और फिर ये सारी चीजें पसंद नहीं की गई सीधी बात कहो जो काम है वो करो और हट जाओ अपने घरों में घर अपने घरों में टिक कर रहो और सबक दौरे जाहलीत किसी सज धज ना सच धज ना दिखाती फिरो नमाज कायम रखो जक़ात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अल्लाह तो ये चाहता है कि बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गंदगी दूर करे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे अब यहाँ पर कहा गया अपने घरों में टिक कर रहो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल क्या अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैद कर दिया औरतों को नहीं जरूरत के लिहाज से जरूरत के मुताबिक निकला जाता है निकला जा सकता है जॉब्स भी की जा सकती हैं अगर हया और पर्दे के दायरे में रहकर की जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत और कवानी को फॉलो करके किया जाए ना महरम से ज्यादा मिंगलिंग ना की जाए उनसे हंसी मजाक ना किया जाए जो काम की बात है वो करके हट जाया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अपने घर से निकलने में क्योंकि सहाबियात भी क्या करती थी अः मतलब उसमें निकला करती थी जंग के मैदान में भी निकलती थी और हजरत खदीजा रदी अल्लाह क्या करती थी तजारत किया करती थी तो उनको जरूरत पड़ती थी नाम मर्दों से बात लेकिन वो अपने पर्दे में अपनी हया के दायरे में और सीधी बात कहकर वो तमाम काम डील करती थी इसका ये मतलब है कि अपने घर में टिकर रहो कि बे जरूरत मत निकलो कोई जरूरत नहीं है चलो विंडो शॉपिंग करने चलते हैं आज आज ये देखने चलते हैं आज वो करने चलते हैं तो ये फिजूल चीज के लिए अपने घरों से मत निकलो अगर कोई काम भी है बाजार में भी जाना है तो लिस्ट बनाओ कि ये ये चीजें लेनी है और उसको लो और आ जाओ फिर क्योंकि जब बाजार में निकलती हैं तो क्या होता है फिर ये भी चीज अच्छी लग रही होती है ये भी चीज और जो हमारी जेब होती है वो गवारा नहीं कर रही होती कि हम सारी चीजें ले लें तो जो चीज लेनी है वो जहन में रख कर बाजार में निकला जाए उसे लेकर डायरेक्ट आ जाया जाए वरना क्या होगा हमारे वक्त भी जये होगा हमारे पैसे भी जाये होंगे और फिर ये तमाम चीजें ना जो मर्दों से इख्तलात होता है मिंगलिंग होती है वो सारी चीजें फिर उसमें आ जाती हैं तो कहा गया सज धज कर यानी तबर्रुज ना करो तबर्रुज एक वर्ड आता है यहाँ पर तबरुज का मतलब होता है तबरुज बना बुर्ज से बुर्ज किसको कहा जाता है मीनार होती है ना मस्जिद के अंदर मिनारेट्स होती है मीनारे होती हैं वो क्या होती है दूर से दिखाई देती है तो यानी कि तुम ऐसे सज जज के ना निकलो कि दूर से भी कोई मर्द देखे तो फिर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो जब निकलो तो अपने पर्दे के साथ निकलो अपने हिजाब के साथ निकलो और अपने कामों को करो और अपने घर में आ जाओ हाँ इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने शोहर के लिए जितना भी बने सवरे जो कपड़े पहने वो अलाउ करें अब अप, अब अप, अपने सेक्लूजन में आप अप अपने अकेलेपन में जो करना चाहे कर सकती हैं बाहर निकलते वक्त ना महरमों के सामने फिर आपने अपने हिजाब को भी देखना है और तबरुज नहीं करना यानी कि उसके अंदर ऐसे ऐसे कपड़े ऐसे जेबो जीनत ना हो कि देखने वाला देखे मतलब औरतें ही देख रही हैं एक दूसरों को तो फिर मर्द तो देखेंगे ही ऐसे सच सच के औरतें निकलती है कि दूसरी औरतों की नज़र पड़ जाए तो यहाँ पर कहा गया कि जाहिलों के तरीका है और देखें आ, मतलब हर नाम महरम औरत आ, मर्द की औरतों की नज़र अगर किसी औरत पर पड़ती है तो उसकी एक मासूमियत जो होती है ना एक दली कैसी होती है एक जो मतलब खूबसूरती होती है वो खत्म हो जाती है जितना ज्यादा औरत और का मतलब ही क्या होता है एक पर्दे की छुपा कर और रखने की चीज तो क्या कहते हैं ना अगर हीरे को ज्यादा हाथ में लो तो मेला हो जाएगा मोती को ज्यादा हाथ में लो तो मेला हो जाएगा तो इसका ये मतलब है कि हम आंखों आँखें भी जो नाम हैरम मर्दों की पड़ती है ना वो भी हमारे हुस्न को कम कर देती है ठीक है औरत का असल हुस्न जो होता है उसकी इंटेलिजेंस और उसकी इल्म और उसकी हया होती है हम समझते हैं कि ये कॉस्मेटिक्स और ये जो हमारी खूबसूरती है और हमारे चेहरों को दिखाना और हमारा अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकल जाना ताकि दस मर्द हमें देखें तो ये ये कोई खूबसूरती का म्यार नहीं है खूबसूरती का म्यार हमेशा हया से तय होता है है ना अभी हमें मूह साम का वाकया पढ़ा था उसमें वो जो औरत आई थी कहती है कि हम मेरे वालद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको काम का जड़ दे तो क्या अल्लाह ने क्या एक्सप्लेन किया सबसे पहले कहा कि वो हया के साथ आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितनी पसंद है हया कि वो जो एक क्वालिटी थी उस औरत की वो मेंशन कर दी कुरान में कि ईमान वाली औरतें जो होती हैं वो हया के दायरे दायरों से बाहर नहीं निकलती और हया ही औरत का असल हुस्न होता है और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो फिर नमाज कायम करो जक़ात दो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो अल्लाह तो ये चाहता है कि अहले बैत यानी घर अहले बैत कहा जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को उनकी अजवाज मुताहरात को उनकी बेटियों को तो उनसे क्या कर दे गंदगी दूर कर दे गंदगी का मतलब यहाँ पर अः ना गंदगी सिर्फ वो गंदगी नहीं जो जाहिरी गंदगी होती है बातनी गंदगी को भी दूर कर दे दि, दिलों को भी पाक कर दे दूसरे दूसरे मर्द ना उनको देखें ना वो किसी गैर नामहरम मर्दों को देखें याद रखो अल्लाह की आयात और हमत की बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं बेशक अल्लाह लतीफ और बाखबर है बिलयकिन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं मोमिन हैं, मुती फरमा बरदार हैं, रास्ते बाज यहाँ पे कुछ क्वालिटीज बताई जा रही है ईमान वाले मर्द और ईमान वाले औरतों की वो मुस्लिम है अल्लाह के आगे सरेंडर करने वाली हैं वो मोमिन है ईमान लाने वाले हैं है। वो फर्मा बरदार है अल्लाह के भी और अल्लाह के रसूल के भी और रास्ते बाज है सीधे रास्ते पर चलने वाली है शवाबिर है सब्र करने वाले और वालियाँ हैं अल्लाह के आगे झुकने वाले यानी कि सुजूद और रुकू और क्याम करने वाले हैं सदका देने वाले हैं वाले हैं रोजा रखने वाले हैं यहाँ पे देखिए मर्द और औरत दोनों की बात हो रही है अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं अल्लाह ने इनके लिए मफ्रत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है तो याद रखें अल्लाह सुबहाना जब सूर्य बकरा में कहा कि मर्द जो हैं औरतों के हाकिम हैं सॉरी आई के मर्द जो है औरतों के कवाम है, है उनको एक दर्जा हासिल है वो एक दर्जा ज़्यादा रखते हैं वो कब कहा जब फैमिली इंस्टीट्यूशन की बात आई जब घर के निजाम की बात आई क्योंकि एक हेड होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूशन हो कोई भी इदारा हो उसको चलाने के लिए एक हेड लाजमी होता है तो अल्लाह रबुल्ज ने चुको मर्दों के अंदर ये क्वालिटी रखी है कि वो माल भी खर्च करते हैं अल्लाह ने उनको अक्ल भी ज्यादा दी है वो भूलते भी कम है तो अल्लाह ने एक जिम्मेदारी बढ़ा कर उनको दे दी तो एक दर्जे का मतलब है एक जिम्मेदारी ज्यादा है उनके ऊपर लेकिन जब नेकियों का मैदान होता है तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मर्दों को ज्यादा नेकी मिलेगी और औरतों को कम मिलेगी जो जितनी ज्यादा नेकी करेगा हो सकता है मर्दों से ज्यादा औरतें नेकी के मैदान में आगे बढ़ जाए तो अल्लाह सुबहान तला ने वो सिर्फ फैमिली को चलाने के लिए कहा कि मर्द हाकिम है यहाँ जब नेकी की बात होगी तो सब इक्वल है इक्वालिटी यहाँ पर होगी किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसके उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उसे अपने उस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल रहे और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो सरी गुमराही में पड़ गया यहाँ पर क्या कह दिया गया कोई ईमान वाला मर्द हो या औरत हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसलों के आगे ना बढ़ 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 के चले अब जैसे अल्लाह ने कह दिया हुक्म है पर्दे का तो अब हम ये ना कहें अरे गर्मी का मौसम है अरे हमसे तो नहीं होता अरे ये तो ज्यादती है गर्मी में हम कैसे पर्दा करें चलो हम खाली ऐसा करते हैं अः सर पे स्काफ पहन लेते हैं मुंह नहीं ढकते तो ये हम अपनी ओपिनियंस नहीं दे सकते हाँ ये कह सकते हैं ये हमारे अंदर कमी कोता है कि हम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के हुक्म की, की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम अपना ओपिनियन ना रखें कि हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो अल्लाह के रसूल ने तो उस दौर के हिसाब से कहा था आप आज के दौर में कहाँ फिर जॉब्स हम प्रॉपरली कर पाएंगे अगर हम पर्दा करेंगे कहाँ ये सारी चीजें मुमकिन हो पाएंगी अगर हम हिजाब के साथ निकलेंगे तो ऐसा नहीं है जब जब लोगों ने रूल्स बनाए दुनिया में फ्रांस में ये सारे जब रूल्स बनाए गए कि ये जो हिजाब है सर पे रखा जा रहा है जो स्काफ पहने जा रहे हैं ये क्या है ये बैन किए जाए तो क्या हुआ जो करने वाले थे उन्होंने फाइन मार जब उनके ऊपर फाइन लगाए गए जब उनके ऊपर तावान लगाए गए तब भी उन्होंने क्या किया अपने हिजाब को नहीं छोड़ा तो उन्होंने क्या किया कि चलो अब हिजाब करती हैं तो करें क्योंकि ये तो फाइन देके भी कर रही हैं तो उन्होंने फिर किस पे आ गए वो छोड़कर अब अपीस के ऊपर आ गए चेहरा नहीं ढकना यानी कि उन लोगों ने जब एहतजाज किया जब उन लोगों ने इस चीज को आ, मतलब आ, एक वो दिखाया ना कि हम अपने हिजाब से बहुत ज्यादा कंसर्न है आप लोग ऐसे नहीं कर सकते जब उन्होंने मारे खा खा कर भी अपने हिजाब नहीं छोड़े तो उन्होंने हिजाब के टॉपिक को हटा दिया वो लोग किस पर आ गए नकाब के टॉपिक टॉपिक पर आ गए नकाब नहीं कर सकते आप तो जब तक हम अपने दीन को खुद लेकर खड़े नहीं होंगे और उसके ऊपर मजबूती नहीं दिखाएंगे तो फिर लोग फिर इसी इसी तरह से उन चीजों का क्या करते रहेंगे मजाक उड़ाते रहेंगे अगर हम ही अपने दीन पर पूरी तरह प्रॉपरली नहीं अब जब हिजाब के बारे में सारे जगह पे कवानी पास करने की बात आई तो आधी औरतों ने कहा कि नहीं भाई ठीक है जैसा भी चलेगा हमें चलता है तो आप करें या ना करें हमें हमें जो भी आप रूल पास करें हमें चल रहा है जब तक कि हम एक नहीं होंगे जब तक हम हमें नहीं पता होगा हम अपने दीन के बारे में नहीं जानेंगे और उस उसपे पुख्तगी नहीं प्यार करेंगे तो कहा फिर दूसरों को मौका मिलेगा हम दूसरों को मौका खुद देते हैं आधी औरतें हिजाब करती हैं आधी नहीं करती तो लोगों को मौका मिल जाता है अरे आपके उसमें कहाँ कंपल्सरी है आदि तो नहीं करती और आदी तो लगती नहीं मुसलमान है क्योंकि उनके तो पहनावे भी ऐसे नहीं है कि वो मुसलमानों जैसे हों वो तो काफिरों को भी मात दे रही हैं तो फिर अल्लाह सुबहान तला क्या करते हैं जब हम अपने दीन को ऑर्थोडॉक्स समझना शुरू कर देते हैं फिर अल्लाह सुबहान तला हमारे ऊपर इंसानों के जरिए से आजाब लेकर आते हैं तो यहाँ पर अल्लाह ने कह दिया अल्लाह अल्लाह के रसूल के कवानी के उनके रूल्स के आगे बढ़ने की कोशिश मत करो ए नबी सल अला वसलम याद करो वो मौका जब तुम इस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था अब ये यहाँ पर जैद बिन हारसा की बात आ रही है जैद बिन हारसा एक गुलाम थे वो कहीं किसी ने उनको अगवा करके गुलामी में फिर लाके बेच दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आ गए थे अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था लेकिन अल्लाह सुबह को कुछ और ही प्लान था अल्लाह की और ही कुछ तदबीर थी हुआ यूं था कि आप को ने जो थे, एक, एक तो गुलामी का जो एक एक जो वो चला आ रहा था बहुत सदियों से उसको भी खत्म करना था दूसरा ये भी बताना था कि गुलाम जो होता है वो एक आजाद मर्द या आजाद औरत से निकाह भी कर सकता है ये एक रूल जो था उसको वो करना था हटाना था लोग समझते थे गुलाम हो गए तो उनकी नस्लें गुलाम हो गई उनके आगे आने वाले सब गुलाम हो गए और उनका निकाह भी गुलामों हो से होना चाहिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया जैनब रदी अल्लाह कि आप रिश्तेदार है ठीक है आप वसल्लम ने हजरत जैनब ताला तला को हजरत जैद का प्रपोजल भेजा हजरत जैद कौन है गुलाम है और हजरत जैनब हैं थोड़ी एलीट क्लास की हैं वो जी तो हम क्या कह रहे थे कि हज़रत जैनब रजिया वो बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी और आजाद औरत थी और ये गुलाम थे आप वसल्लम ने हज़र जैनब रजिया को जैद का प्रपोजल भेजा हजरत जैनब के जो घर वाले थे इस बात पे राजी नहीं थे लेकिन आप सल्लाह ने कन्विंस किया के जो है इनका निका कर दिया जाए अब यूं हुआ कि हजरत जैद रजी अल्लाह तहा अनु जो है वो एक गुलाम है उनकी मैंटेलिटी भी गुलामों वाली थी और वो कहते हैं कि मैंने जैनब को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा मतलब केमिस्ट्री बिल्ट ही नहीं हुई उनके दरमियान के वो हमेशा अपने से ऊंची औरत उनको समझते रहे और यूं हुआ कि बिल आखिर दोनों में तलाक हो गई अब तलाक हो गई तो क्या था रूल वहां पर अरब माशरे में कि मुंह बोला बेटा जो है असल बेटे की ही तरह होता है तो उसकी जो बीवी है वो क्या होगी हराम हो जाएगी किसके लिए अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें हजरत जैनब के क्या हो गए मुंह बोले ससुर हो गए ना तो ससुर से कैसे निकाह हो सकता है तो अल्लाह को जो एक नॉर्म था एक सोशल नॉर्म जो के वहां पर वहां के उसमें कॉमन था कि मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह नहीं किया जा सकता तो अल्लाह सुबहाना तला को वो जो कानून था उसको तोड़ना था और अल्लाह सुबहान हुक्म दिया कि अब आपको उनका निकाह करना पड़ेगा हजरत जैनब से निकाह आपको करना पड़ेगा तो ये क्यों था ये कि किसी साहबी से भी करवा दिया जा सकता था जो थोड़े से ऊंचे हों बड़े घराने के हों लेकिन चूंकि किसी सहाबी से निकाह करवा देने से वो एक रूल नहीं बनता वो एक कानून नहीं बनता एक एक मतलब एक ऐसा होता है ना कि जो पूरे माशरे के लिए एक एग्जाम्पल और रोल मॉडल नहीं बन पाता तो अल्लाह सुबहाना ने हुक्म दिया कि अब आपको हजरत जैनब से निकाह करना पड़ेगा और यूं हुआ कि अल्लाह रब्बुल रबुल्जत ने खुद निकाह पढ़वाया हजरत जैनब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वो जो एक 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 जो मित था के जो मुंह बोला बेटा होता है वो सगे बेटे की तरह होता है तो वो वहां से वो रस्म को खत्म कर दिया गया तो बता दिया गया कि मुंह बोला बेटा जबकि बेटा ही नहीं है तो उसकी बीवी से भी निकाह किया जा सकता है दूसरी बात तलाक होने के बाद और दूसरी बात ये कि मुंह बोले बेटे का विरासत में कोई हिस्सा नहीं होगा ठीक है इसीलिए जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अडोप्शन का जो कानून है वो थोड़ा सा मतलब इस्लाम में ना पसंद किया गया है अडोप्शन को आया नंबर थर्टी सिक्स की तरफ हमारा आगे बढ़ते हैं इन शहब ठीक है तो यहां पर कहा गया ए नबी याद करो वो मौका जब तुम इस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था अल्लाह ने ये एहसान किया कि उनको गुलामी से आजाद करवा दिया और अल्लाह के रसूल ने यह एहसान किया कि उनको अपना मुंह बोला बेटा ही बना लिया था अपनी बीवी को ना छोड़ और अल्लाह से डर वो बार बार क्या कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं हजरत जैद आके कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी नहीं बन पाएगी जैनब से आप हमारा तलाक करवा दें तो वो कहते थे नहीं निभाओ 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं हजरत जैद को कि आप निभाएं और वो कह रहे हैं नहीं मैं उनको आ, उनको फेस भी नहीं कर पाता हूँ मैं उनको देख भी नहीं पाता हूँ तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते कहते हैं कि नहीं आपको निभाना पड़ेगा वो क्यों कह रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही बता दिया था कि इन केस इन दोनों में अगर तलाक होती है तो निकाह आपको जैनब रदील तला से आपको करना पड़ेगा तो अब ये जो चीज थी, चीज थी वो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता था लोगों के सामने कि देखो अपने मुंह बोले बेटे कि बीवी से क्या कर लिया निकाह कर लिया तो ये ही रूल जो था उसको तोड़ना था अपनी बीवी को ना छोड़ और अल्लाह से डर उस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे क्या बात छुपाए हुए थे कि अगर अल्लाह ने आ, मतलब इनका तो तलाक होता है तो मुझे निकाह करना पड़ेगा जिसे अल्लाह खोलना चाहता था तुम लोगों से डर तुम लोगों से डर रहे थे हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो यानी जब हक की बात आए जब शरीयत की बात आए तो लोगों से ना डरा जाए बल्कि अल्लाह और अल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर और वक वला तकश हम वक्शनी उनसे ना डरो लोगों से ना डरो बल्कि मुझसे डरो ठीक है लोग क्या कहेंगे वो जो एक टैग है उस चीज को हटा दो और अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो फिर जब जैद रजियाल्ला द ओनली पर्सनैलिटी द ओनली सहाबी जिनका नाम कुरान करीम में नाम के साथ आया है वो है जैद रजी तु और एक ओनली फीमेल ओनली वुमेन जिनका नाम आया कुरान में वो है मरियम सलाम ठीक है जब जैद रजी अल्लाह उससे अपनी हाजत पूरी कर चुके तो हमने उसे मुतल खातून यानी कि हज़रत जैनब रजिया तहा का तुमसे निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटो की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे यानी मोमिनों पर यह मामला क्लियर हो जाए ये एक, रूल, एक 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 रूल मतलब ऐसा रूल बन जाए कि फिर आगे के लोगों के लिए कोई हर्ज ना हो बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे जबकि वो इनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था यानी कि अल्लाह सुबहाना तला ने ये तदबीर कर रखी थी और ये रूल तोड़ना था माशरे की रस्म को तोड़ना था इसीलिए अला सुबह ने ये सारी तदबीर की थी नबी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर कर दिया हो यही अल्लाह की सुन्नत इन सब अंबिया के मामले में रही है जो पहले गुजर चुके हैं और अल्लाह का हुक्म एक कतई तय शुद्दा फैसला होता है यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो करना होता है फिर अम्बिया जो होते हैं उसके ऊपर डट कर क्या करते हैं फिर वो लोगों का मुंह नहीं देखते फिर अल्लाह सुबहान तआला का हुक्म देख के उस काम को कर देते हैं ये अल्लाह की सुन्नत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगाम पहुंचाते हैं और उसी से डरते हैं और एक खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते और मुहासिबे के लिए बस अल्लाह ही काफी है यानी अल्लाह इज़्ज़त कौन सी अथॉरिटी है जो अकाउंट आ, अकाउंट्स हमारा लेने वाले हमसे हमारा हिसाब किताब करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत काफी है फिर बंदों से ना डरो कि ये क्या कहेगा और वो क्या कहेगा और मैं लोगों के सामने कैसे फेस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो अल्लाह सुबह ने कहा कि यहाँ पर बंदों का मामला ना देखो जब अल्लाह कोई हुक्म दे दे अल्लाह के रसूल कोई कानून बता दे तो फिर उसको करने के लिए फिर लोगों का मुंह ना देखो कि रिश्तेदार क्या कहेंगे सोसाइटी क्या कहेगी ये तो हमारे उसमें नौ ये जो बहुत कॉमन है और हम जो करेंगे तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट फ्लो हो जाएगा तो फिर ये सारी चीजें सोचना बंद कर दें लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के भी बाप नहीं है मगर वो अल्लाह के रसूल और खातम खातुमनबीन है और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है अः अल्लाह सुबहान स्पेसिफिकली वर्ड इस्तेमाल किया है मर्दों में से किसी के भी बाप नहीं है आप सल अल्लाह वसलम बाप हैं लेकिन औरतों के लड़कियों के बाप हैं क्योंकि जितने भी बेटे पैदा हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत इब्राहिम कह लें कासिम कह लें जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुनियत है कासिम तो जितने भी बेटे पैदा हुए तीन आ, 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 बेटे हुए और तीनों ही बचपन में इंतकाल कर गए क्यों क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक ये बात आ जाती ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो जो नबुअत है फिर किसको मिलनी चाहिए वो एक उसमें चलनी चाहिए नस्ल में चलनी चाहिए तो बेटों में चले ठीक है तो अल्लाह अल्लाबान ने बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप है ही नहीं तो वो जो जैद बिन हारसा है वो कैसे फिर उनके बेटे हो सकते हैं आप तो खातिम नबीन है सील ऑफ प्रोफेसी आप सल्लाह वसलम के बाद कोई नबी नहीं आना अच्छा अब आप सल असलम ने कह दिया था कि मेरे बाद तीस कजाब आएंगे कज्जाब मतलब झूठे लोग आएंगे और वो झूठे क्या होंगे तीस तीस ऐसे झूठे होंगे जो नबूत का दावा करेंगे कि हम जो है नबी हैं आखिरी नबी हैं तो अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि जो नबुअत का दावा करे मेरे बाद आने के तो फिर वो क्या है झूठा है कज्जाब है कज्जाब का मतलब होता है बहुत बड़ा झूठा एक होता है काजिब झूठा और कज्जाब मतलब होता है बहुत बड़ा झूठा तो अच्छा इसमें इस स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे दौर में कोई शख्स आ जाए अब जैसे कि हम जाते हैं जानते हैं कि कादियानी ने आप सल अल्लाह के दौर में भी एक मुसलमा कज्जाब ने दावा कर दिया था कि मैं भी नबी हूँ फिर वो जो था उसका कत्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया था अच्छा अब कयामत तक जब कयामत आ जाएगी उस तक तीस ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हम जो है नबी हैं तो आप सल्लाह वसलम ने कह दिया मैं आखिरी नबी हूँ और ये तुम्हारे अंदर ये बात पुख्ता हो जानी चाहिए स्कॉलर्स इस पर यह बात कहते हैं कि कोई शख्स आकर कहे कि मैं नबी हूं अल्लाह का नबी भी हूं तो आपने ये भी मुझसे नहीं पूछना है कि प्रूफ करके दिखाओ कि तुम अल्लाह के नबी हो क्योंकि प्रूफ करने की जरूरत नहीं है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जिसने प्रूफ करने को कहा उसने भी कुफ्र कर दिया उसने भी कुफ्र कर दिया सोचे कितने लोगों ने वो गुलाम अहमद कादियानी के हाथ पर बैत ले ली किस वजह से इल्म की कमी की वजह से उनको खबर भी नहीं हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह दी थी कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आना ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह और शाम इसकी तस्वीर करते रहो यानी का एक इम्पोर्टेंस इस, इस बताई गई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को सुबह और शाम याद करो वही है जो तुम पर रहमत फरमाता है और उसके मलाइका तुम्हारे लिए दुआ रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें तारीखियों से रोशनी में निकाल लाए लारिकियां कौन सी अंधेरे कौन से जो अंधेरे हैं वो गुमराही के अंधेरे हैं और अल्लाह ने जब भी अंधेरों की बात की है फ्लोरल फॉर्म में हमेशा अः फ्लोरल फॉर्म में क्यों किया कि कुफर का अंधेरा है शिर्क का अंधेरा है गुमराहियों का अंधेरा है अंधेरे बहुत सारे हैं और अल्लाह की तरफ जाने वाला नूर हिदायत का नूर सिर्फ एक ही है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी किताब रोशनी से निकाल निकाल तुम्हें अंधेरों से रोशनी में निकालना है वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है जिस रोज वो उससे मिलेंगे उनका सलाम से होगा यानी जब हम जन्नत में एंटर होंगे तो द वेरी फर्स्ट ग्रीटिंग अलैकुम तुम पर सलामती हो सलाम से उनका इस्तकबाल होगा और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा बा इज्जत अजर फराहम कर रखा है यानी इतनी इज्जत इतनी आ, मतलब इंसान को कितनी ज्यादा होड़ होती है ना दुनिया में हर कोई उसकी इज्जत करे छोटे भी बड़े भी और आ, हर कोई जो उसके सराउंडिंग में है उसके फैमिली मेंबर्स भी उसके रिलेटिव्स भी तो अल्लाह ने कहा वहां पर बहुत इज्जतें तुम्हें फराम की जाएंगी बहुत बाज्ज्जत अजर दिया जाएगा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर बशारत देने वाला और डराने वाला बशारत किनको मिलेगी जिन्होंने अल्लाह के रसूल की बात को मान लिया और डरावा किसके लिए है जो अल्लाह के दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए कवानीन को जो झुटला दें तो अल्लाह ने कहा कि उनके लिए डराने वाले आप बनाकर भेजे गए हैं तो बशीर और नजीर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर नबी को यही हुक्म दिया गया कि वो लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोकें और जो मान ले उसके लिए खुशखबरी है जन्नत की और जो ना माने उसके लिए जहन्नम का अजाब है अल्लाह सुबहान तआला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के हकदार हैं अल्लाह की इजाजत अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाजत से उसकी तरफ दावत देने वाले वाला बनाकर और रोशन चिराग बनाकर भेजा गया यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी का मीनार है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से सारे जहान में हिदायत की रोशनी फैल गई और कयामत तक वो फैलती रहेगी और आप दावत देने के लिए आए हैं बशारत दे दो उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है और हर हरगिज ना हरगिज नाम हरगिज ना वो कुफार और मुनाफिकीन से कोई परवाह ना करो इनकी इज, इनकी अजियत रसानी की और भरोसा कर लो अल्लाह पर अल्लाह ही उसके लिए काफी है कि आदमी अपने मामला उसके सुपुर्द कर दे अल्लाह ने कह दिया तुम्हें कुफार से डरने की काफिरों से मुशरकों से डरने की हरगिज भी जरूरत नहीं है तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए अल्लाह पे जिसका भरोसा होता है अल्लाह उसके लिए क्या हो जाता है काफी होता है है ना कि वो ये अल्लाह ने कहा जो अल्लाह पर तोल करता है जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है वो उसके लिए ऐसे रास्ते निकाल निकाल देता है जहाँ से उसको खबर भी ना हो गैप से उसके लिए क्या करता है रास्ते बनाता चला जाता है ऐ लोगो जो ईमान लाए हो जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो, तो 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 तुम्हारी तरफ से उन पर कोई इद्दत लाजिम नहीं क्या मतलब कि अभी निकाह हुआ था ही नहीं हुई थी उनके आपस में कोई कंजुगेशन ऑफ मैरिड नहीं हुई आपस में कोई मीटिंग नहीं हुई है तो क्या है कि अब उनके लिए कोई इद्दत नहीं है इद्दत क्या होती है इद्दत इस, इसलिए होती है तो ए, एक तो मामला ये होता है इद्दत का कि अगर वो वफात की इद्दत है तो एक गम जो होता है औरत के ऊपर वो जाहिल हो जाए वो खत्म हो जाए दूसरा अगर वो प्रेग्नेंट है अगर वो एक्सपेक्ट कर रही है हामिला है तो उसकी डिलीवरी मतलब जो है उसका हमल जो है वो ज़ाहिर हो जाए इसलिए इद्दत होती है जिसके पूरे इन पर कोई इद्दत लाजिम नहीं है जिसके पूरे होने का तो मुतालबा कर सको लिहाजा उन्हें कुछ माल दो और भले तरीके से रुखसत कर दो ये हम पहले भी पढ़ाए हैं सूर्य बकरा में कि जब रुखसती के रुखसती के बगैर आपस में एक दूसरे तस्मिया और बीवी जो है आपस में ताल्लुक किए बगैर अगर क्या कर दें तलाक ले लें तो मर्द के ऊपर लाजिम है कि कुछ ना कुछ वो औरत को दे दे अगर उसने मेहर मुकर किया तो आधा मेहर दे दे और अगर उसने मेहर मुकर नहीं किया तो अपनी स्तारत अपनी कैपेसिटी के, के मुताबिक कुछ ना कुछ दे दे ताकि जब दोनों में आपस में क्या हो रहा है जुदाई हो रही है तो खैर के साथ जुदाई हो ना बिल्कुल फिल्मी ड्रामों की तरह नहीं तीन तीन थप्पड़ मारे और उसको गिरा दिया और उसको तीन बार तलाक कह दिया और फिर क्या कहा और उसको उसके सामान को बाहर फेंक दिया उठाकर ऐसे नहीं हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है और इतना सीरियस मैटर है ना ये तलाक का कि अल्लाह सुबान ने इतने लंबे प्रोसीजर के जरिए से फिर तलाक करवाई है और लोगों ने इसको खेल तमाशा बना के रख दिया अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की आयतों का ये जब आयतें है कहीं ना अल्लाह ने कहा अल्लाह की आयतों का मजाक ना बनाना ये बहुत बड़ी बात है कि कोई मर्द जब किसी औरत को तलाक देता है अल्लाह का अर्श हिल जाता है क्योंकि ये हलाल चीजों में अल्लाह को सबसे नापसंदीदा चीज है हाँ अलबत् वो बात अलग तो है कि बिल्कुल भी निभा ना हो रही हो जैसे कि जैद बिन हार साहब हम देख रहे हैं कि दोनों ही सहाबी और सहाबियात हैं और कमाल दर्जे के अखलाक रखते होंगे लेकिन नहीं निभा हो पाया स्टेटस की थोड़ी सी इसीलिए कहा जाता है ना कि जो कम्पेटेबिलिटी भी देखना जरूरी है स्टेटस का मतलब के एक बिल्कुल गरीब घर आने से और बिल्कुल अमीर होगा तो दोनों में क्या होगा जहनीत का डिफरेंस होगा तो कुछ चीजें जो है उस दीन के बाद भी कुछ चीजों को म्यार, म्यार बनाया जा सकता है अः मतलब निकाह के लिए और खास तौर पर स्टेटस जो होता है इंसान का कि वो गरीब और अमीर जो होते हैं हाँ अगर दीनदार होंगे तो बिल्कुल निभा कर लेंगे वैसे तो दोनों ही अः सहाबाकर का दीन जो है कहाँ ईमान हम जैसे लोगों का दीन होगा लेकिन वो जो मामला था गुलामी वाला था तो इसीलिए वो मुमकिन नहीं हो पाया उन दोनों में निकाह करना मतलब निभा करना और दूसरी बात ये भी थी कि अल्लाह के अल्लाह के रसूल के जरिए से अल्लाह को वो जो वो जो कानून था मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह करना वो भी तुड़वाना था अब क्या कहा अल्लाह ने कुछ ना कुछ माल दे दिलाकर क्या कर दो रुख्सत कर लो यहाँ तो क्या किया जाता लाओ हमारा सोना हमारे जेवरात हमने जो गिफ्ट दिए थे वो वापस करो और वो वहां वहां से वापस कर रहे होते हैं फिर निकाह जो अल्लाह ने कहा कि अगर तुमने ढेरों सोना माल दौलत भी दे दी हो एक पैसा भी तुम उनसे वापस नहीं ले सकते वरना ये ऐसे ही हो जाएगा कि जैसे कोई कुत्ता कह करे वॉमिट करे और उसको फिर अपने मुंह में ले ले नबी सल अला वसलम हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए हैं और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लॉन्डियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आई है जैसे मारिया किप्तियां आई थी ठीक है और तुम्हारी वो चचाजाद और फूफीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहने जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है और वो मोमिन औरतें जिसने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा किया है हिबा कर दिया ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अगर कोई औरत कहे कि या, रसूल अल्लाह मैं आपको अपने आप को एज अ गिफ्ट पेश करती हूँ तो आप मुझे अपने निकाह में ले, ले ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाकी और किसी के लिए नहीं तो यहाँ पर देखें इससे पता चल रहा है जो कजिन होते हैं ना मामूजात खालाजात पुपीजात सब ना महरम होते हैं तो उनके साथ बैठना उनके साथ मारना उनके बाइक पे चले जाना ये सब मना है ठीक है क्योंकि वो हमारे महरम नहीं है अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा किया हो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे निकाह में लेना चाहें ये रियायत खालिसतन तुम्हारी है अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं नहीं लेना चाहें तो आप ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं इट्स ऑल अप टू यू आप जो फैसला करना चाहे अपने हक हाँ में दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है हम हमको मालूम है कि आम मोमिनों पर उनकी बीवियां और लौंडियों के बारे में हमने क्या हुदूद आयत की है मतलब मोमिन मर्दों और औरतों के लिए मामला अलग है और आपके लिए अलग है तुम्हें उन हदूद से हमने इसलिए मुस्तना किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे और अल्लाह गफूर रहीम है तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो जिसे चाहो अपने साथ रखो और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो इस मामले में तुम पर कोई मजायका नहीं है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे ना कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है दीन को फैलाने की दावत के काम की कितने सारे डेलीगेशंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात इंटरनेशनल लेवल पर भेज रहे हैं आप अलैहि वसल्लम बॉर के जो मैनेजमेंट है यानी कि जंग की तदाबीर भी आप सल अल्लाह वसलम को करनी है दावत का काम भी करना है आप सल अलाम को माले गनीमत का भी मामला देखना है आप सल अल्लाह वसलम को और दूसरे दीन की तबलीग भी करनी है लोगों को खैर की तरफ भी बुलाना है तो बाहर का अंदर का सारे मामला इंटरनेशनल लेवल पर भी कितने सारे साहबा को डेलीगेट बनाकर भेजा आप वसल्लम ये सारे मामला देखते हुए अपनी फैमिली को भी क्या करना है हैंडल करना है तो आप अलैहि वसल्लम को ये रुक्सत दे दी गई कि आप जिसको भी ऑप्ट करना चाहें जिस भी औरत और जिस भी बीवी के साथ आप साथ में रहना चाहें वो आपके लिए बेहतर है जिस, जिसके हजरत आयशा रदी तना आप सल्लाम से, से बहुत सारी हाँ इंटेलिजेंट इतनी अराउंड टू थाउजेंड अहादीस हजरत आयशा रदी तहा से, से, ताला 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 से नरेटेड है वो रावी है तो आप सल्लाम से, से ने जो निका किए थे वो दीन का काम करना था और आप सल्लाम ने अपनी जो असल जवानी का हिस्सा था वो पचपन साल का हिस्सा जो था वो एक औरत के साथ गुजारा उसके बाद जो निकाह किए थे वो भी ऐसा था कि कुछ जो अः जैसे अब ये काफिर लोग सवाल उठाते हैं ना आप सल अलाम की वाइफ्स के ताल्लुक से तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने यूं निकाह किए थे कि एक तो कि इस कबीले से बहुत ज्यादा तनाव है बहुत ज्यादा क्या है झगड़े हैं तो उनकी किसी औरत से क्या कर लिया जाए निकाह कर लिया जाए तो क्या होगा एटलीस्ट उससे अमन में आ जाएंगे तो हम दीन का और ज्यादा काम कर सकेंगे तो ये सारे ताल्लुक हमवार करने के लिए ताल्लुक इस्तेवाल करने के लिए ताकि ता, वो तमाम चीजों से निकल कर हम और भी ज्यादा दीन का काम कर सकें और भी ज्यादा लोगों को ईमान की तरफ बुला सके क्योंकि लोग ऐसा करते थे कि अगर हमारी बेटी किसी कबीले में चली गई तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया ससुराल वाला मामला हो गया और लोग क्या करते थे गैरत का मामला हो जाता था कि हमारी बेटी उस सस, उसमें है कबीले में और हम उनसे जंग करें तो ये तमाम स्ट्रेटेजीज थी ये तमाम आ मतलब उसके पीछे रीजन थे जिसकी वजह से निकाह करने पड़े तो अब अल्लाह सुबहान तला ने फिर गुलाम औरत से भी निकाह किया ताकि बताना था कि गुलामों से भी निकाह किया जा सकता है कोई ऐसा नहीं है कि वो अब आज के दौर में जो गुलाम का मामला है या हमारे जो मेड और सर्वेंट है वो वो वाला मामला नहीं हुआ था अब यहाँ तो हर किसी का क्या होता है एक तो यूनिक आइडेंटिटी होती है चाहे आपका मेड भी क्यों ना हो वो भी वोट डालता है वो भी सब कुछ कर रहा होता है उसको सारी जो गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज देती है उसको भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन ऐसा कानून वहाँ गुलामों का नहीं था गुलाम बिल्कुल एक मतलब एक कमोडिटी एक इस्तेमाल करने की चीज समझा जा समझे जाते थे उनकी कोई हैसियत नहीं होती थी उनकी कोई मर्जी नहीं होती थी अल्लाह के अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उनको एक एक बड़ा मकाम दिया मर्तबा दिया और अल्लाह के रसूल की जिद्दोजहद की वजह से ही आज गुलामी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है तो यहाँ पर अल्लाह सुबहाना ने इसलिए रुखत दे दी कि आपको जिस बीवी के साथ रहना है जिससे अलग रहना है ये आपके ऊपर है आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें मजा मतलब वो नहीं करेंगे पकड़ नहीं करेंगे फिर भी अल्लाह सुबहाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म से अदल करने की कोशिश की ठीक है लेकिन बस ये कहा कि या अल्लाह मेरी पकड़ मेरे दिल के मामले पर नहीं करना क्योंकि मेरा दिल आयशा की तरफ ज्यादा झुकता है दुनियावी मामले में मैं सारे अदल करूंगा लेकिन जो दिल का मामला है वो मेरे इख्तियार में नहीं है ठीक है तो दिल जो होता है वो जब आयशा रदी तला की तरफ झुकता था हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी दुआएं किया करते थे तुम पर कोई मजायका नहीं है इस तरह ज्यादा मुतवे हैं कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा ना होंगी और जो कुछ भी तुम उनको दोगे इस पर वो सब सब राजी रहेंगी अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है और अल्लाह अलीम और हलीम है तहमल वाला ठीक है इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं यानी जितने निकाह हो चुके हो चुके और ना उसकी इजाजत है कि उनके जगह और बीविया ले आओ यानी आप किसी को तलाक देकर दूसरी दूसरी औरत से निका नहीं कर सकते क्योंकि ये औरतें अगर आप इनको तलाक दे देंगे तो ये किसी और के निकाह में नहीं जा सकती क्यों क्योंकि ये उम्मत की माए हैं उम्मत की माओ से निकाह नहीं किया जा सकता बाकी मर्दों को मना कर दिया गया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो तो उसके बाद तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को प्रपोजल नहीं भेज सकते क्यों क्योंकि वो तुम्हारी माए हैं उम्मत की माए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ चुकी हैं दूसरी औरतों औरतें हलाल नहीं है और ना इसकी इजाजत है कि उनकी जगह दूसरी बीवियां ले आओ खा उनका हुसन तुम्हें कितना ही पसंद हो अलबत्त लोंडियो की तुम्हें इजाजत है अल्लाह हर चीज पर निगरान है ऐ लोगो जो ईमान लाए हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में बिला इजाज़त ना चले आया करो ना खाने का वक्त ताकते रहो हाँ अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो जरूर आओ मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ यानी अपने घर चले जाओ बातें करने में ना लगे रहो तुम्हारी ये हरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती हैं मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते और अल्लाह हक बात कहने में नहीं शर्माता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकिजगी के लिए ज्यादा मुनासिब तरीका है यहाँ पर किन किन लोगों से कहा जा रहा है कराम से कहा जा रहा है और किन के तालुक से कहा जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के तालु से कहा जा रहा है अब लोग कहते हैं कि हम तो दीन का इल्म सीख रहे हैं तो वन टू वन इल्म हासिल करने में क्या गर्ज है स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला जो है हसन बसरी हो और पढ़ाने वाला पढ़ाने वाला हसन बसरी हो पढ़ने वाली राबिया बसरी हो तब भी सेक्लूजन में बैठकर एक अकेले में बैठकर इल्म हासिल नहीं किया जा सकता किसी एक मर्द से ठीक है तो ये जो वन टू वन ट्यूशन लिए जाते हैं और साथ में बैठ के तो अल्लाह सुबहाना तला ने इसको मना फरमा दिया और देखिए कहाँ परदे का हुक्म दिया जा रहा है जो सहाबा कराम है जो सबसे ज्यादा दीन को मानने और उसको फॉलो करने वाले हैं और सहाबियात वो भी कौन सी अजवाज मतहरत के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि आपस में पर्दा रहे ताकि दोनों के दिल और दोनों की निगाहों की हिफाजत का मामला रहे और दूसरी बात यहाँ पर यह भी कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे जब साहबा कर आए तो फिर शर्माते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह कहते नहीं थे कि अपने घर चले जाओ अब हमारी तरह ऐसा थोड़ी मामला है कि एक एक रूम ये है और हॉल है और फिर किचन है और फिर अलग अलग सब कुछ है वहां तो वही किचन है वही हॉल है वही बेडरूम है वही सब कुछ है तो क्या है पर्दे में भी खलल पड़ रहा है बीवियों को भी तकलीफ हो रही है तो खाना खा लो तो फिर अपने घर चले जाओ ऐसे ही मामला ये हमारे लिए भी नसीहत है जब हम किसी के घर चले जाए तो फिर उनके उनके मामला का भी ख्याल रखें ऐसे नहीं है कि चले गए हैं तो फिर पड़े हैं फिर बातें किए करे, करे जा रहे हैं और दूसरे को दूसरा जो इस कहने, कहने में शर्मा रहा है और फिर उनके घर के मर्दों को और उनके औरतों को तकलीफ हो रही है उनके बच्चों को कि भाई हम कहा बैठे और कहाँ उठे नबी की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकिजगी के लिए ज्यादा मुनासिब तरीका है तुम्हारे लिए हरगिज जायज नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम को तकलीफ दो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ देना था और हमारे लिए क्या है तकलीफ देना क्या हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतात ना करें उनकी बात ना माने ये अल्लाह के रसूल को तकलीफ देना है और ना ये जायज़ है कि उनके बाद उनकी बीवियों से निकाह करो ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुना है यानी वो तुम्हारी माए हैं तो तुम उनसे निकाह नहीं कर सकते तुम कोई बात ज़ाहिर करो या छुपाओ अल्लाह को हर बात का इल्म है अजवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसमें कोई मजायका नहीं कोई हर्ज नहीं है कि उनके बाप उनके बेटे उनके भाई उनके भतीजे इनके भांजे इनके मेल जोल की औरतें और उनके ममलूक घरों में आए जो उनके महरम है जो मर्द महरम है मर्द, बाप है बेटे हैं वो सब घर में आ सकते हैं उनके लिए कोई हर्ज नहीं है ए और तो तुम्हें अल्लाह की नापरमानी से परहेज करना चाहिए अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है अल्लाह और उसके अल्लाह और उसके मलायका फरिश्ते नबी सलम पर दरूद भेजते हैं इनबी यादी वसलम तस्लिमा अल्लाह ने कहा कि यह अल्लाह रबुल्ज की सुनत है वाहि सुन्नत जो अल्लाह ती है वो जो फरिश्ते भी कर रहे हैं और सारी दुनिया की मखलूक भी कर रही हैं कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अला वसलम पर दुरूद भेज रहे हैं ठीक है और हमें दुरूद बहुत सारे बता दिए गए हैं एक वो दुरूद है जो दुरूद इब्राहिमी कहलाता है जो हम नमाज में पढ़ते हैं तो दुरूद पढ़ने के तरीके भी हमें बता दिए गए और दुरूद कौन से पढ़ने हैं वो भी हमें बता दिए गए तो मसनून दुआओं में से मसनून जो अहादीस है उसमें से मसनून दरूद निकालें और उसी का वर्त करें ठीक है मलायका नबी पर जरूर भेजें अच्छा और यूं भी कहते हैं स्कॉलर्स कि एक वाहिद इबादत ऐसी है जो कभी रद्द नहीं होती जिसकी कबूलियत हंड्रेड परसेंट है आप कोई नेकी कर रहे हैं आप घड़ा खुदवा रहे हैं लोगों के लिए पानी लग, पानी का प्याव लगवा रहे हैं आपने कुआं खुदवा दिया आपने लोगों को खाना खिला दिया आपने सखावत की लोगों में माल तकसीम कर दिया आपने बहुत कुछ किया लेकिन किसी भी अमल की गारंटी नहीं है कहाँ जरा सी कोताही हुई हमने जरा दिखावा किया जरा रियाकारी की थोड़ा सा माइन्यूट सा क्या हुआ उसके अंदर कोताही हुई नियत में और वो अमल जो होगा रद्द हो जाएगा लेकिन यहाँ ये जो मामला है दुरूद वाला मामला है आप अगर बेध्यानी में भी अगर दुरूद पढ़ रहे हैं आपका आपका जहन भी उस तरफ नहीं है और आपकी जबान से बस वैसे ही निकल रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चलते फिरते पढ़ रहे हैं आप जहन लगा कर भी नहीं पढ़ रहे और जो है पूरे पौडर करके भी नहीं पढ़ रहे तब भी वो अमल कबूल होने वाला है क्यों कबूल होने वाला है जब आप कह रहे हैं या अल्लाह अल्लाह के रसूल पर सलामती नाजिल फरमा तो क्या अल्लाह रद्द कर देगा अरगिज भी नहीं अल्लाह सुबहान तला अपने नबी पर सलामती भेजने से थोड़ी ना पीछे हटेंगे तो अल्लाह सुबहान इबादत जो है कबूल फरमाते हैं ठीक है और कुछ मसलून औकात हैं नमाज के अंदर दुरूद पढ़ना बैठ कर पढ़ा जाता है नमाज में फिर दूसरी बात ये जब हम दुआ पढ़ते हैं तो शुरू में और आखिर में दुरूद पढ़ना फिर जब आप परेशानी के आलम में हो उसमें दुरूद पढ़ना तो ये कुछ औकात हैं जिसमें दुरूद और वैसे आप कसरत से दुरूद पढ़ते रहे चलते फिरते जुमा के दिन का असल वर्द जो है दुरूद है तो वह कसरत से आप दुरूद पढ़ें तो अल्लाह सुबहाना तला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खुद सलावतें भेजता है तो हमें भी हुक्म दिया गया कि फरिश्ते भी कर रहे हैं तुम्हारा रब भी कर रहा है तो तुम अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों की सुन्नत को क्या कर लो थाम लो तो आप चलते फिरते रहें जब आप मार्केट में भी निकलें जब आप कहीं पर भी निकलें तो आप कोशिश किया करें कसरत से दुरूद पढ़ा करें ठीक है ये रहमतों का भी जरिया है गुनाहों के माफ करने का भी जरिया है दस गुना माफ हो जाते हैं दस रहमतें दे दी जाती हैं दस नेकियां मिलती हैं बहुत सारे रिवॉर्ड हैं और दिल का सुकून और इत्मीनान और मिल जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब होगा वो शख्स जो कसरत से दुरूद पढ़ने वाला होगा ठीक है तो जब आप किसी परेशानी में ना भी मुब्तला हो तब भी आप कसरत से जरूर पड़े कोशिश क्या करें एक छोटी सी काउंटर ले लें अपने हाथ में रख लिया करें तो क्या होता है ना कि जब काउंटर होता है ना तो हम वैसे ही बे मतलब जहन में नहीं भी होता तो आप वो प्रेस करते करते बटन भी काउंटिंग होना जरूरी नहीं है बस एक वो प्रेस करते करते क्या होता है जबान उससे हो जाती है तो वो पढ़ते चले जाते हैं हम जब कुछ हाथ में नहीं होता ना तो फिर ऐसा होता है कि हम भी भूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर लें छोटी सी तस्वीर ले लें एक काउंटर ले लें ताकि आप कसरत से दुरूद पढ़ सकें ऐ लोगो ईमान जो ईमान लाए तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देते हैं उन पर दुनिया और आखरत में अल्लाह ने लानत फरमाई है और उनके लिए रसवा कुन अजाब मुहैया कर दिया है अजियत देना क्या है कुरान को छोड़ देना अल्लाह ने कहा ये लोग कुरान से हिजरत कर गए तो ये अल्लाह के रसूल को अजियत देना है अल्लाह को अल्लाह और अल्लाह के रसूल रसूल को तकलीफ पहुंचाना है कि हम उसकी किताब से क्या हो जाए हिजरत कर जाए उससे दूर हो जाए और जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को बेकसूर अजियत देते हैं तकलीफ पहुंचाते हैं, उन्होंने एक बड़े बहुत सरी गुना का बबाल अपने सर ले लिया है नबी अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करे यानी कि अपने हिजाब ले लें अपने नकाब ले लें अपने ऊपर किन किन को कहा कितना जबरदस्त अल्लाह सुबह ने ईमान वाली औरतों को कहाँ ला कर खड़ा किया है कितना कि, कितना पसंदीदा मकाम होगा अगर हमारा हम जब जन्नत में सहाबियात के साथ होंगे अहले बैत के साथ होंगे क्या क्या हमारे ऐश होंगे अगर हमारा जो हर्षर होगा हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा हजरत फातमा रजी अल्ला के साथ कर दिया जाए अल्लाह फौरन कंटिन्यूटी में पुकारा नबी की बीवियों और उनकी बेटियों सब प्लोरल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज्यादा बेटियां हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज्यादा बीवियां हैं तो इसलिए वर्ड यूज, यूज हुए तो ए, बे, ए बीवियों और बेटियों और ईमान वाली औरतों अगर हम ईमान वालियाँ हैं तो हमसे कहा जा रहा है हमसे मुतालबा किया जा रहा है कि हम क्या करें अपने हिजाब अपने चेहरों को ढाके अपनी जीनत को ढाके हम हिजाब करें अगर हम अपना अपना हशर इनके साथ चाहती हैं अहले बैत के साथ चाहती है तो हम चा, हम क्या करें उन्हीं को कॉपी करें उन्हीं के साथ उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें किसी सेलिब्रिटी को अपना आइडियल ना बनाएं बल्कि अल्लाह के रसूल की बीवियों को और उनकी बेटियों को अपना आइडियल बनाएं और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें ये ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए हिजाब का क्या पर्पज है ताकि हम पहचान लिए जाए कि यह एक मुसलमान औरत है और ना सताई जाए कि जब हम अपने आप को हिजाब में ढाक लेंगे तो हमें सताया ना जाएगा यानी कि ए, जब आप देखेंगे ना कि कोई औरत वाकन जैसा पर्दा करने करने का हक है वो करती है तो जो ना महरम मर्द होते हैं उनकी खुद ब खुद निगाहें झुक जाया करती हैं वो पहचान ली जाए और ना सताई जाएं अल्लाह तफूर रहीम है अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में खराबी है और वो जो मदीना में पहचान हैजान अंगेज अफवाहें फैलाने वाले हैं अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुम्हें उठा खड़ा करेंगे तो ये जो मुनाफिकीन होते थे और यहूद और नसारा में जो भी सॉरी यहूद जो होते थे खास तौर पर मदीना में जो थे वो बहुत सारे स्कैंडलाइज करते रहते थे किनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ऊपर बार बार क्या करते थे तोहमतें लगा रहे होते थे कभी कुछ कर रहे होते थे अः कभी जंगों के ऊपर कभी उनकी बीवियों के ऊपर तो अल्लाह सुबहान फरमा रहे हैं कि जो लोग अफवाहें उड़ाते फिरते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो मैं उठा खड़ा करेंगे फिर वो उस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे यानी जो ये लोग अफवाहें कर रहे हैं तो दुनिया में इनको अजियत दुनिया में इनसे बदला लिया जाएगा और आखिरत में भी अल्लाह इज़्ज़त इनसे बदला लेगा इन पर हर तरफ से लानत की बौछार होगी जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे कयामत में भी ऐसा ही मामला होगा यहूद जो होंगे जब ये दरख्तों के पीछे छुपेंगे पहाड़ों के पीछे छुपेंगे तो एक, -एक दरख्त गवाही देगा कि मेरे पीछे ये यहूदी छुपाए आओ इसको कत्ल कर दो तो अल्लाह फरमा रहा है कि इनको सबको कत्ल कर दिया जाएगा ये तो कयामत की बात है ये उस दौर की बात की जा रही है कि अल्लाह सुबहान फरमा है अगर ये अफवाह उड़ाएंगे तो अल्लाह सुबहान तला इनकी पकड़ फरमाएगा दुनिया और आखिरत में अच्छा जी तो यहाँ पर ये जो ये लोग हैं ना यहूद जो है ये दरख्तों और पहाड़ों के पीछे छुपेंगे तो वो दरख्त तो और पहाड़ जो है गवाही देंगे कि हमारे पीछे यहूदी है इनका कत्ल कर दो इनको मार दो सिर्फ एक दरख्त है गरखत का दरख्त गरखत का दरख्त कहा जाता है वो दरक जो है वो इनका साथ देगा है, वो गवाही नहीं देगा इसीलिए आपने देखा होगा कि इनके घरों में गरकत का दरख्त उगता है यानी ये दीन इस्लाम को झूठा भी मानते हैं लेकिन उसकी बातें जो होती हैं उनको उनके ऊपर अमल भी कर रहे होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया गरकत का जो दरख्त होगा अः उस वो जो होगा यहूदियों का साथ देगा तो ये अपने घरों में अपने फंक्शन में गरकत के बॉन्जाय देते हैं जैसा आजकल आजकल एक ट्रेंड चल गया है ना कि लोगों को जब गिफ्ट दो तो बोनजाए प्लांट दे दो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं तो ये लोग गरकत के घर दरक लगाने की एक दूसरे को बहुत ज्यादा ताकीद भी करते हैं और क्या नाम है एक दूसरे को ये गिफ्ट भी करते हैं लानत की बौछार होगी जहाँ कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे आप देख लेंगे जिन जो भी यहूदियों का घर होगा ना उसमें गरकत का दरख होगा ही होगा आप नेट पर सर्च कीजिए आपको पता चल जाएगा क्योंकि कयामत के दिन वो उसका साथ देने वाला होगा ये अल्लाह की सुन्नत है जो ऐसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओगे लोग तुमसे पूछते हैं कि कयामत की घड़ी कब आएगी कहो उसका इल्म तो अल्लाह ही के अल्लाह ही के पास है तुम्हें क्या खबर शायद के वो करीब ही आ लगी हो तो इंसान कयामत का जो इंतजार कर रहा है अल्लाह सुबाना ताला फरमा रहे हैं कि क्या खबर तुम्हारी मौत उससे पहले तुम्हें आ जाए कयामत आए ना आए बहरहाल लेकिन कयामत का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया मेरे पास भी नहीं है कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है बहरहाल ये यकीनी अमर है कि अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और इनके लिए भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है जिसमें वो हमेशा रहेंगे कोई हामी और मददगार ना पा सकेंगे जिस रोज इनके चेहरे आग आग पर उलट पलट किए जाएंगे बारबेक्यू भी कैसे होता है जिस तरह से सेका जाता है कबाब को अल्लाह सुबहान तला हैं इनके चेहरों को इस तरह से आग के ऊपर उलट पलट किया जाएगा उस वक्त वो कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताद कर ली होती इताद जो होता है वो लोवेस्ट लेवल है कि जो हुक्म दिया गया उसको पूरा करो और इतबा जो होती है जैसे अल्लाह सुबहान कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें मिल जाए तो तुम नबी की इतबा करो इतबा वो होती है कि हुक्म नहीं दिया गया बंदा वैसे ही अपने दिल से कर रहा है जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए थे कि एक सहाबी ने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने पहली मरतबा मुलाकात मुलाकात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्ट का फर्स्ट बटन जो था खुला हुआ था तो उन्होंने जिंदगी भर अपनी जो शर्ट था उसका फर्स्ट बटन जो था ओपन रखा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा एक सहाबी ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने में चम्मच चला रहे थे कुछ पका रहे थे और उसके अंदर चम्मच चला रहे थे तो बीच में मुस्कुराए थे तो उन्होंने जिंदगी भर जब भी वो वो सालन पकाते थे तो बीच में से थोड़ा सा मुस्कुराते थे और फिर आगे का कंटिन्यू ये क्या ये है ये इतबा है ये मोहब्बत है कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी हर अदा भी क्या लगती है निराली लगती है अल्लाह सुबहान तला ने फरमाया कि तुम एटलीस्ट लोवेस्ट जो ले, लेवल है इताद का लेवल जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया उसको फॉलो कर लो तो ये हसरतें होंगी लोगों की कयामत के दिन कि काश हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की क्या की होती बात मान ली होती इतात कर ली होती और कहेंगे ऐ हमारे रब हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताद की और उन्होंने हमें राह रास्त से यानी सीधे रास्ते से बेराह कर दिया अब देखिए लोग कहते हैं ना वही हम पिछली कितनी सूरतों में पढ़ाए हम तो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पे चल रहे थे हमारे बाप दादा ने हमें यही बताया था हमने अपने बड़ों से यही सीखा था अल्लाह फरमा रहा है ये बड़ों के लिए भी क्या बन बन जाएंगे आजमाइश का बायस बन जाएंगे वो तो खुद गुनाह कर गए अगर तो ये क्या करेंगे उनके गुनाहों में मजीद इजाफा कर देंगे तो हमें हर उम्मती को हुक्म दिया गया है क्या करें वो अपनी आंखें अंधी तकलीफ नहीं है इस्लाम जो है ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है हम किसी के भी पीछे ऐसे उठ के नहीं चले जाएंगे अल्लाह ने कहा अपनी आंखें खोलो और अप, अपनी शरीयत का मुताल करो और देखो कि अल्लाह के रसूल ने क्या खूबसूरत शरीयत दी है कितना फितरत के ऊपर दीन को क्या अल्लाह सुबहाना ने मनजम कर दिया तो यहाँ पर कहा इतार की इताद की हमने अपने सरदारों की और अल्लाह ने क्या कहा इताद किसकी करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की और हम इतात किसकी करते हैं सोसाइटी सोसाइटल नॉर्म्स की कर रहे होते हैं लोग क्या कहेंगे उसकी कर रहे होते हैं हमारे घर वालों ने हमें क्या सिखा दिया चाहे वो शरीयत के खिलाफ ही क्यों ना हो की और उन्होंने हमें राह से बेराह बे कर दिया ऐरब इनको दोहरा अजाब दे अल्लाह अकबर क्या कह रहे हैं अब हमारे बड़ों को दूसरा दबल, डबल डबल अजाब दे क्यों क्योंकि उन्होंने हमें गुमराह किया था और इन पर सख्त लानत कर लानत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूरी को लानत कहा जाता है ए लोगों जो ईमान लाए उन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने मूसा को अजियतें पहुँचाई तकलीफें दी फिर अल्लाह ने उनको उ, उनकी बनाई हुई बातों से उसकी बरात फरमाई और वो अल्लाह के नजदीक बाइजत थे यानी मूसा को किस तरह से टॉर्चर करते थे काफिर तो काफिर बनी इसराइलों इसराइलियों ने भी आपल असलम के हालांकि वो फॉलोअर थे इतने क्वेश्चन करते थे इतने सवाल करते थे मूसा आल्लम परेशान हो जाया करते थे अल्लाह फरमा के उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिस तरह से मूसा को अजियत दी गई तुम नबी अलैहि वसल्लम को अजियतें पहुंचाने वाले ना हो जाओ और हम किस तरह से तकलीफ पहुंचाएंगे आप सल्लाह को क्यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल अलाम हौज कौसर पर खड़े होंगे और आप सल अल्लाह जाम कौसर सब तकसीम कर रहे होंगे और हम जब अल्लाह के रसूल के सामने खड़े होंगे आकर के पीले उनके हाथ से जाम तो फरिश्ते आकर कहेंगे या रसूल अल्लाह रसोल्ला आपके उम्मती नहीं है कहेंगे ये तो मेरा उम्मती था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह आपके जाने के बाद इन्होंने आपके दीन में बहुत सारी तब्दीलियां कर ली इन्होंने कुरान को कुछ अहमियत नहीं दी इन्होंने कुरान से हिजरत कर ली ये आपके उम्मती नहीं हो सकते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों से मुंह फेर लेंगे तो सोचे ये अजियत देना नहीं हुआ क्या तो अल्लाह के रसूल की इत ना करना भी उनको अजियत देना तकलीफ पहुंचाना है और ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो अल्लाह तुम्हारे आमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे बार बार अल्लाह सुबाना तआला कह रहे हैं कि उनको ही फॉलो करो उसके अलावा किसी की तुम्हें इताअत जेब नहीं देती उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली बड़ी कामयाबी क्या है जन्नत और जन्नत के महल हमने इस अमान हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने पेश किया इस कुरान करीम को इस दावत के काम को अल्लाह सुबाना तला ने हमसे पहले आसमान से कहा कि क्या तुम करोगे ये दावत का काम क्या जमीन से पूछा सब ने इनकार कर दिया अल्लाह ये तो बहुत बाहरी काम है हमसे हमसे नहीं होने पाएगा हम तो इसके काबिल ही नहीं है सब ने इनकार कर दिया और यह इंसान क्या, क्या इसने क्या किया तो उसे उठाने के लिए तैयार ना हुए और उसने उससे डर गए कि अगर हमसे कोई कोताही हो गई तो अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे तो हमें तो ये ठीक है कि अल्लाह सुबहान तला ने जो हमें इन बिल्ड फर्मा बरदारी दे दी है हम उसी पर चलते रहे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तो अल्लाह सुबान ने सारी मखलूक को फर्मा बरदार बना दिया सिवाय इंसान के कि उसको विल पावर दे दिया उसको विशेष दे दी उसको डिजायर्स दे दी उसको शहावत दे दी उसको अल्लाह सुबहाना तौला ने आ, ये दे ये दे दिया ये नफ्स दे दिया कि वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना करेगा तो फिर उसके लिए जजा ज़, ज़, और सजा का मामला है तो यहाँ पर कह दिया गया कि मगर इंसान ने उसे उठा लिया सब ने उसे इनकार कर दिया इंसान ने उसे उठा लिया बेशक वो तो बड़ा जालिम और जाहिल है अल्लाह कह रहा है कि तू तो कितना बड़ा जाहिल है कि अल्लाह सुबहान जब वो अल्लाह कह रहा है कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो दूसरी मखलूकत आसमान और जमीन है उन्होंने कह दिया अल्लाह नहीं नहीं हमसे नहीं होने का ये काम हम हमारे लिए बहुत भारी काम है और ये कहता है कि लाओ अल्लाह हम करके हम करके दिखाते हैं तो अल्लाह सुबहान तरम बड़ा जालिम है जुल्म कैसे करता है जो हक है वो अदा नहीं कर पाता जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसको पूरा नहीं कर पाता और जाहिल है कि जहां कुछ कह होना होता है खुद पहले से कूद कर उसमें आगे बढ़ जाता है इस बार अमानत को उठाने का लाजमी नतीजा यह है कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरक तो, मर्दों और मर्दो औरतों और को सजा दे और मोमिन मर्दों और औरतों की तोबा कबूल करे अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है अल्लाह ने कह दिया कि अगर ईमान लाए हो तो शिरक और कुफर से बन बच जाना अगर तुमने शिर किया तो तुम भी मुशरिकों में शामिल हो जाओगे और उनके लिए सजा है और अगर ईमान ले आए हो तो ईमान पे पुख्ता रहना तुम्हारे लिए जजा है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सूर्य करते हैं सूरत सबा सूर सबा सबा जो है एक जगह का नाम है और हम पहले भी पढ़ आए हैं सलेमानसलाम ने जो मलिका सबा को खत भेजा था और फिर उसने ईमान कबूल कर लिया था वो जो थी आतिश परस्त थी सूर्य नमल में हमने इसका जिक्र पढ़ा था राइट तो सूर्य सभा जो है उस जगह के नाम से है सूर्य सभा कहीं कहीं शैबा भी आता है शबा शैबा ऐसे भी आता है सबा भी आता है लेकिन हम कुरान के रू से चलते हैं तो उसका नाम सबा है हमद उस खुदा के लिए है जो आसमान और जमीन की हर चीज का मालिक है और आखिरत में भी उसी के लिए हमद है वो दाना और बाख़बर है यानी बंदा करे ना करे अल्लाह की हमद दुनिया में भी है आखिरत में भी है जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है जमीन में क्या जाता है जमीन में पानी जाता है जमीन में बीज जा बीज जा जाते हैं जमीन में मुर्दे जाते हैं और जमीन में से जो निकलता है जमीन से आ, और जो कुछ उससे निकलता है जमीन से क्या क्या निकलता है प, आ, पैदावार निकलती है जमीन से पानी निकल रहा होता है तो अल्लाह सुबहाना तरमाने जो कुछ जमीन में जाता है और जो उससे बाहर निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है आसमान से क्या उतर रहा होता है बारिश उतरती है रहमतें उतरती हैं अजाब तो उतरता है और अल्लाह सुबहान तला की वही उतरती है फरिश्ते उतरते हैं ये सब आसमान से उतरते हैं और जो कुछ उसमें चढ़ता है क्या चढ़ता है आसमान में हमारी दुआएं ऊपर चढ़ती हैं हमारे आमाल ऊपर चढ़ाए जाते हैं भाप बनकर पानी ऊपर चढ़ाया जाता है और दूसरी जो भी फरिश्ते ऊपर चढ़ते हैं तो हर चीज को वो जानता है वो रहीम और गफूर है मुनकिन कहते हैं कि क्या बात है कि कयामत हम पर नहीं आ रही यानी जल्दी से कयामत दिखाएं ताकि हम ईमान लाएं कहो कसम है मेरे आलिमुल ग़ैब परवरदिगार की जो गैब का इल्म रखता है वो तुम पर आकर रहेगी उससे जर्रा बराबर कोई चीज ना आसमानों में छुपी हुई है ना जमीन में ना जर्रे से बड़ी और ना उससे छोटी सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में मौजूद है यानी दर्ज है कौन सा नुमाया दफ्तर लोहे महफूज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास एक सील टैबलेट है अल्लाह सुबहान ने उसमें सब कुछ लिख रखा है और ये कयामत इसलिए आएगी कि जजादे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते हैं जहां भी ईमान का तस्करा होगा अमल के साथ होगा खाली खाली ईमान अल्लाह को पसंद नहीं है अल्लाह ने फरमाया ईमान करोगे ईमान लाओगे तो अमल सौले लाजमी है नेक अमल तुम्हारे उसके साथ जरूरी है उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए मकफिरत है और रस्क करीम है यानि अल्ला मकफरत क्यों नकमल कर रहे हैं ना गुना थोड़ी कर रहे हैं मकफरत इसलिए कि अमल करने में जो कोताही हो जाएगी जो कमी रह जाएगी तो अल्लाह अल्लाबान वाल उसको मुआफ करके फिर अल्लाह सुबहान तला रिस्क करीम यानी जन्त का रस्क अता करेंगे और जिन लोगों ने हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए जोर लगाया है उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म रखने वाले खूब जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो सरासर हक है अल्लाह ने फरमाया जो कुरान को शरीयत को हक मानते हैं वो कौन है इल्म वाले हैं और खुदाए अजीज व हमीद का रास्ता दिखाता है यानी ये कुरान करीम अल्लाह का रास्ता दिखाता है अल्लाह की ऐसी लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक सिरा बंदे के हाथ में है वो चाहे तो इस रस्सी को पकड़कर अल्लाह तक पहुंच सकता है मुनक्रीन लोगों से कहते हैं इनकार करने वाले अल्लाह लोगों से कहते हैं हम बताएं तो मैं ऐसा शख्स जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का जर्रा जरा मुंतर हो चुका होगा इस वक्त तुम नए सिरे से पैदा किए जाओगे ये क्या है ये हंसी मजाक करके ठट्टा बना के मजाक करके एक तमस्कुर और टोंट के तौर पर कह रहे हैं ओह हो ऐसा भी होगा जरा जरा बिखर गया और फिर वो दोबारा से बनेगा ना मालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ गढ़ता है या इसने जुनून लाहक हो चुका है यानी इसके ऊपर कोई जुनून आ गया है कोई जिन आ गया है कोई अः इसके ऊपर जादू हो चुका है ये इसलिए ऐसी बातें करता है नहीं बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो आजाब में मुब्तला होने वाले हैं और वही बुरी तरह बहके हुए हैं अल्लाह फरमा रहा है उन पर कोई जुनून नहीं है वो हक बात बताते हैं और ये ये हम लोगों ने मानना क्यों नहीं दु, दु, समझा साइंस ने नहीं प्रूफ किया ना एक बहुत बड़ा जो शिरक है ना आज के दौर का वो साइंस भी है लोगों ने हर वो चीज जो कि साइंस ने प्रूफ कर दी उसको तो हक मान लिया लेकिन हम ये याद रखें कि हमारा दिन पोस्ट मॉडर्न है साइंस से भी दो कदम आगे चलता है हमारा दीन जो साइंस प्रूफ आज नहीं कर सकती वो कल को प्रूफ करेगी और हमारा कुरान चौदह साल पहले बता चुका होगा क्या उन्होंने कभी उस आसमान और जमीन को नहीं देखा जो उन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए है हम चाहें तो उन्हें जमीन में धसा दे या आसमान के कुछ टुकड़े इन पर गिरा दे दर हकीकत इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो खुदा की तरफ रुजू करने वाला हो हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी हाँ से बड़ा फजल अता किया बड़ा फजल क्या था अल्लाह ने उनको इल्म दिया अल्लाह ने उनको हिकमत दी अल्लाह ने उनको जज बनाया काजी बनाया अल्लाह तआला ने उनको माल और दौलत दी अल्लाह व तआला ने उनको अः परिंदों की बोलियां सिखाई अल्लाह ने उनको नबुवत भी दी थी। तो सोचे दीन और दुनिया दोनों उनके पास भरपूर थी और उनके बेटे सुलेमान सलाम वो भी दीन और दुनिया में बहुत ज्यादा क्या थे मालदार भी थे दीन के मामले में भी और दुनिया के मामले में भी अल्लाह ने कहा हमने उसे बड़ा फजलता किया था हमने हुक्म दिया कि ए पहाड़ो इसके साथ हम आहंगी करो और यही हम यही हुक्म हमने परिंदों को दिया हमने लोहे को उसके लिए नरम कर दिया दाऊद जो थे ना जब जबूर पढ़ते थे जबूर की तिलावत करते थे तो यूं होता था जैसे नहीं लोग म्यूजिक में कोरस होता है कोरस वो लाइन होती है जो सब लोग पढ़ रहे होते हैं साथ में और कुछ एक स्टैंड होते मेन होते हैं वो सिर्फ दाऊद पढ़ते थे तो जो मेन स्टैंडजा होते थे दाऊद होते थे और जो कोरस होता था पहाड़ परिंदे सब साथ में झूम झूम कर पढ़ रहे होते थे तो जबूर की तिलावत इतनी खूबसूरती से हुआ करती थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कयामत और दाऊद की जो आवाज़ है इतनी खूबसूरत थी कि परिंदे भी क्या होते थे उससे वो महू हो जाते थे तो अब अल्लाह सुबान तआला कयामत के दिन सॉरी जन्नत में दाऊद की आवाज में हमें कुरान करीम सुनाएंगे और फिर आप सल्लल्लाहु हमें तिलावत सुनाएंगे और बिल आखिर अल्लाह तआला हमें अपनी आवाज में कुरान करीम सुनाएंगे अल्लाह हम सबको ये शर्फ हासिल फरमाए और दाऊद के लिए लोहा नरम कर दिया लोहा नरम कर दिया जैसे मोम होता है ना म की तरह से लोहा उनके लिए नर्म था वो हाथों से ही क्या कर लिया करते थे हथियार बना लिया करते थे जिरा बख्तर वगैरह जिसे अपने आप को प्रोटेक्टिव जो जो होती हैं यूज की जाती हैं जंग में सब दाऊद दाउद सलाम अपने हाथों से बना लेते थे तो दाऊद के हाथ में आके लोहा नर्म हो जाया करता था ये उनका एक मोजा था इस हिदायत के साथ के जरहे बना जिरहे वो जो पहनते हैं आगे लोहे की आगे तक अगर दुश्मन वार करे तो उस पर जरब ना लगे सीने पे और इनके हल्के ठीक ठीक अंदाजे पर रख यानी जो उसके जो जो रिंग्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यानी अल्लाह सुबहान ये वही के जरिए से अल्लाह सुबहान सिखाया कि जंग के भी कुछ कपड़े होते हैं जंग में जाने के लिए भी कुछ क्या होते हैं गार्मेंट्स होते हैं लोहे के तो अल्लाह सुबहान तला के वही से ये तैयार किया गया ए आले दाऊद ने कमल करो जो कुछ तुम करते हो उसको मैं देख रहा हूँ और सुलेमान के सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए सुलेमान दाऊद के बेटे हैं सुलेमान के लिए हमने हवा को मसक्र कर दिया सुबह के वक्त उसका चलना एक महीने की राह तक और तमाम के और शाम के वक्त इसका चलना एक महीने यानी एक महीने में जो पहुंचने का सफर होता है वो एक दिन में तय कर लेती थी हवा तो सुलेमान सलाम के हुक्म से हवा यूं चलती थी कि अगर उनको कहीं एक महीने की दूरी पर जाना होता था वो हवा को हुक्म देते थे वो सुबह से शाम में पहुंच जाया करते थे ठीक है सुबह से शाम बस आधे दिन में एक महीने का सफर और आधे दिन में दूसरे महीने का सफर महीने की राह तक हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया और ऐसे जिन उसके ताबे कर दिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो बादशाहत मिली जो किसी नबी को नहीं मिली जिन परिंदे हवा और सब और जो जानवर हैं सब सब उनके ताबे थे अब जिन भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए क्या करते थे काम किया करते थे जिन इसके ताबे कर दिए जो अपने रब के हुक्म से उसके आगे काम करते थे उनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करता उसको हम भड़कती हुई आग का मजा चखाते अब जो जिन क्या करता था नाफरमानी करता था उसको भड़कती हुई आँख का मजा चकाते अब कुछ कुछ लोगों ने पूछा कि जिन को कैसे आँख का आजाब होगा जबकि तो वो खुद आँख से बना हुआ है तो एक स्कॉलर ने इसकी दलील यूं दी कि अगर इंसान तो मिट्टी से बना हुआ है ना और अगर आप मिट्टी का टुकड़ा मिट्टी को एक वो बनाए ईट बनाए मिट्टी को एक ऐसे करके गीला करके उसका एक बॉल बना ले और फिर इंसान को मारे तो उसको चोट लगेगी या नहीं लगेगी लगेगी मिट्टी से जब मिट्टी को लग सकती है उसी तरह से आंग से आम को भी क्या किया जाता है आजाब दिया जा, जा सकता है जो कुछ वो चाहते हैं ऊंची इमारतें वो उसके लिए बनाते थे यानी सुलेमान सलाम जो हुक्म देते थे वो क्या करते थे तामीर करते थे जो कुछ वो चाहते ऊंची मारते तस्वीरें अच्छा तस्वीरों में स्कॉलर्स ने यहाँ पर बता दिया तस्वीरें मतलब सीनरीज जो होती है ना उसकी तस्वीरें यानी कोई ऐसे नहीं इंसानों की तस्वीरें वो नहीं बनाते थे पोर्ट्रेट नहीं बनाते थे बल्कि जो सीनरी और वो सब चीजें होती है वो तस्वीरें बड़े बड़े हॉस जैसे लगन और अपने अ, मतलब बड़े बड़े पतीले जिसके अंदर खाना पकाया जा सके और अपनी जगह से ना हिल हटने वाली भारी देगे ऐ आऊद अमल सलाम ए दाऊद अम, ए आले दाऊद यानी एलाउद अमल करो शुक्र के तरीके पर मेरे बंदों में कम ही शुक्रगुजार है अल्लाह सुबह हमें उन कम लोगों में शामिल फरमा दे जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं फिर जब सुलेमान सलाम पर हमने मौत का फैसला नाफि किया तो जिन्हों को इसकी मौत का पता देने वाली कोई चीज उस घुन के सिवा ना थी जो उसके असा को खा रहा था अल्लाह ने बता दिया जिन्हों को कोई गैप का इलम नहीं होता लोगों ने शैतान को जिन्हों को अपना खुदा बना रखा है नऊज अल्लाह के साथ अल्लाह की जात के साथ शरीक करते हैं अल्लाह ने बता दिया जब सुलेमान सुलेमानसलाम की विसाल का वक्त आया तो क्या हुआ कि सुलेमान सलेमानसलाम जो थे जब जिन कुछ काम किया करते थे सरकश होते थे जहां नजर हटी तो वहां अपना फिसक लिए ऐसा करते थे तो जिन्हों के ऊपर नजर रखते थे सुलेमान सलाम अब ऐसा हुआ कि एक मरतबा सलाम बैठ कर अपने अः चेयर पर बैठे होंगे और साथ में असा टेक लगाकर खड़े बैठे थे तो यूं हुआ कि सुलेमान सलाम की अल्लाह सुबहान तला ने रूह कब्ज़ कर ली और जिन जो थे कई ब, 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 वक्त तक सोचे कि अगर एक असया एक लकड़ी है उसके अंदर दीमक लगे दीमक लगने के बाद उसका जो टर्माइट्स होते हैं ना उसको दीमक यानी टर्माइट वो क्या करते हैं लकड़ी को खाते हैं और लकड़ी को अंदर से पूरा भुस बना देते हैं और ऊपर से पूरा सेफ रहता है और अंदर से पूरा खोखला हो जाता है तो फिर क्या यूं हुआ कि जब दीमक ने पूरा अंदर से खोखला कर दिया उसको तो सुलेमान सलेमान जो बैठे हुए थे वो गिर पड़े तो जिन्हों को पता चला रहे ये तो ये तो वफात पा चुके हम तो ऐसे ही अजियत में मुब्तला थे यानी हम तो ऐसे ही काम किए जा रहे थे समझ रहे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या है आ, सामने बैठे निगरानी कर रहे हैं तो सोचे वो कितना अर्सा लगा होगा कि दीमक ने पूरा खा लिया हो और फिर उसके बाद सलेमान गिरे हों जो टेक लगी हुई तो गिरे हों और जिन्हों को पता चला हो जिन्हों को गैब का इलम नहीं होता फैसला नाफिज किया तो जिन्हों को इसकी मौत का पता देने वाली कोई चीज इस घुन के सिवा ना थी जो इसके असा को खा रहा था घुन मतलब वही टर्माइट दीमक जो लकड़ी को खाती है इसी तरह इस तरह जब सुलेमान सलेमान गिर पड़े तो जिन्हों पर ये बात खुल गई कि अगर वो गैप के जानने वाले होते तो उस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना रहते मतलब इतने वक्त तक वो तामीर किए जा रहे हैं जो जो सुलेमान सलेमान ने हुक्म दिया था उसको करे जा रहे थे काम करे जा रहे थे सबा के लिए उनके ए उनके अपने मस्कन ही में एक निशानी मौजूद है सबा एक जगह का नाम है उनके मस्कन उनके रहने की जगह में एक निशानी मौजूद है दो बाग दाए और बाएं खाओ अपने रब का दिया हुआ रिस्क और शुक्र बजा लाओ उसका मुल्क है उमदा वो पाकिजा और परवरदिगार है बख्शिश फरमाने वाला अल्लाह ने कहा सबा में एक ऐसी जगह थी जहां पर अल्लाह सुबहाना तौनी नहमतें दी थी बाग दिए थे दो बड़े बड़े और उसके नेचुरल इरिगेशन के लिए उसके बाजू में से नहरें भी बह रही थी मगर मुंह मोड़ गए आखिरकार हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब भेज दिया अब ये जो लोग थे ना इनके लिए सारी आसानियां थी सारी फैसिलिटीज थी इनको थकान तक नहीं होती थी इतने सारे इनको एम्यूनिटीज और इतने सारे वो सारे कुछ मिला हुआ था ये कहते हैं कि ये कैसी जिंदगी है इतनी आसानियों की और कुछ मजा ही नहीं है लाइफ में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हम आ, मतलब वो कुछ आजाब आ रहा है या कुछ बंद गिर रहा है या कुछ बाग में कमी हो रही है तो हमें थोड़ा परेशानी आ रही है तो हमें थोड़ा क्या हो मजा आए लाइफ में क्योंकि इतनी स्मूथ लाइफ गुजर रही है इतनी आसानी से इन्होंने खुद अपने ऊपर क्या कहा आजाब मांगा अल्लाह सुबहान तला ने क्या किया कि बंद तोड़ उनके ऊपर सैलाब भेज दिया और उनकी फसलें तबाह हो गई सब कुछ यानी इंसान कभी कभी अपने लिए खैर की बजाय क्या मांग लेता है शर मांग लेता है कि उन्होंने कहा कि कुछ जिंदगी में मजा नहीं है क्योंकि हम जो है बहुत आसानी से तो सोचे अगर इनको आसानियां मिली थी तो कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी कि अल्लाह की इबादतें करते रहते अल्लाह रबुल्जत को राजी करते रहते हैं उसकी शुक्र गुजारी करते रहते इंसान ऐसा ही ना शुक्र है कि जब उसको सारी आसानियां दी जाती है ना तो वो अल्लाह को भूल बैठता है अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं कि फिर हमने उनके आ, वो मुंह मोड़ गए आखिरकार हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब भेज दिया और इनके पिछले दो बागों की जगह दो और बाग उन्हें दिए जिनमें कड़वे कसीले फल और झाव के दरख्त थे और कुछ थोड़ी सी बेरिया अब जब सैलाब आएगा तो सारी अच्छी फसल बेकार हो जाएगी सब बह जाएगी और जो कूड़ा करकट जो सड़ी गली चीजें होंगी उससे जो बाग उगेगा तो वो क्या बनेगा वही ऐसे ही जहरीले फलों का कड़वे कसीले फलों का बाग बनेगा तो वैसे ही बाग उनके तब्दील हो गए पिछले दो बागों की जगह दो और बाग उन्हें दिए जिनमें कड़वे कसीले फल और झाओं के दरख थे और कुछ थोड़ी सी बेरिया ये था उनके कुफर का बदला ना शुक्री का बदला जो हमने उनको दिया और ना शुक्र इंसान के सिवा ऐसा बदला हम और किसी को नहीं देते यानी जब नेमतों की नाकदरी ना, ना शुक्री की जाए अल्लाह उस नेमत को छीन लेते हैं याद रखें हर वो नेमत जो अल्लाह ने आपको आज दी है हमें दी है चाहे वो माल की हो औलाद की हो वाले की हो की हो अल्लाह सुबहान फरमा जिसकी भी ना कदरी करोगे ना शुक्री करोगे वो मैं तुमसे छीन लूंगा और हमने उनके और उन बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी नुमाया बस्तियां बसा दी थी और उनमें सफर की मुसाफतें एक अंदाजे पर रख दी थी चलो फिरो इन रास्तों में रात दिन फिर पूरे अमन के साथ मगर उन्होंने कहा ए हमारे रब हमारे सफर की मुसाफतें लंबी कर दे उनके एग्जाम्पल दी जा रही है के उनको लगा अरे इतनी आसानी से सफर हो जाता है कोई थकन नहीं होती कुछ नहीं तो अब अल्लाह ऐसा कर हमारी मुसाफतें हमारी जो ट्रैवलिंग है उसको जरा डिफिकल्ट कर दे जरा सा आ, ऐसा कर दे कि हम जो हो कुछ नई चीजें एक्सप्लोर कर सके थकावट से उस लंबे सफर से उन्होंने अपने ऊपर आप जुलम किया आखिरकार हमने उन्हें अफसाना बनाकर रख दिया और उन्हें बिल्कुल तितर बितर कर डाला यकीनन इनमें इस निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो बड़ा साबिर और शाकिर है यानी अल्लाह अल्ला सुबहाना तरमारे कैसे मत के मारे हुए लोग हैं कैसे इनकी अकले अकलों पर पत्थर पड़े हुए थे खुद आजाब मांग रहे हैं खुद अपने लिए बुरे चीजें मांग रहे हैं और इन्होंने ना कदरी की और ना शुक्र की उनके मामले में विलीस ने अपना गुमान सही पाया और उन्होंने उसी की पैरवी की बजुज एक थोड़े से ग्रोह के जो मोमिन था यानी हर बार ऐसा ही होता है कि मेजॉरिटी इज नॉट एन अथॉरिटी याद रखें कभी भी ये ना देखें कि सारे लोग कहाँ जा रहे हैं अगर आप अकेले भी तने तना हक के साइड हैं तो आप अकेले ही खड़े रहें आप ये ना देखें सब तो कर रहे हैं तो मैं भी चली जाऊं अल्लाह ने कह दिया थोड़े लोग शुक्र करते हैं थोड़े ग्रो मोमिन हैं तो थोड़े ही लोग अल्लाह सुबहाना के पसंदीदा है इबलीस को उन पर कोई इकदार हासिल ना था मगर जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि हम ये देखना चाहते थे कि कौन आखिरत का मानने वाला है और कौन इसकी तरफ से शक में पड़ा हुआ है तेरा रब हर चीज पर निगरान है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुशरकिन से कहो शिर करने वालों से कहो कि पुकार देखो अपने उन माबूदों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपने माबूद समझ बैठे हो वो ना आसमानों में किसी जर्र बराबर चीज का मालिक के मालिक हैं ना जमीन में वो आसमान और जमीन की मिल्कियत में शरीक भी नहीं है इनमें से कोई अल्लाह का मददगार भी नहीं है और अल्लाह के हुजूर कोई शिफात भी किसी के लिए नाफे नहीं हो सकती बजुज उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की इजाजत दे दी हो हमने आयतल कुर्सी में पढ़ लिया था क्यों इंसान सिफारिश नहीं कर सकता क्योंकि उसको कामिल इल्म ही नहीं है अब जिसको इल्म नहीं है तो वो कैसे किसी के साथ सामने अल्लाह के सामने खड़े होके किसी की सिफारिश कर सकता है तो अल्लाह जिसके लिए और जिसको इजाजत देगा बस वही इंटरसेशन कर सकेगा सिफारिश कर सकेगा कि जब लोगों के दिलों से घबराहट दूर होगी तो वो सिफारिश करने वालों से पूछेंगे कि तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया वो कहेंगे कि ठीक जवाब मिला है और वो बुजुर्ग और बढ़तर है यानी अल्लाह सुबहान तरमा उस दिन की हौलनाकिया पहले दूर हो जाए इतना घबराहट वाला वो दिन होगा कि सामने जैसे कोई इन्वेजिलेटर सामने आके खड़ा हो जाए पेपर लिखते वक्त आप नई भी चीटिंग कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है जो ये खड़े होके बिल्कुल मेरे पेपर को तके जा रहा है है ना होता है ना तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान फरमाने के ये तो बहुत छोटी सी बात हमने एग्जाम्पल दिया वहां पर कयामत के दिन या जिसके पास चिट होती है उसकी क्या हालत हो रही होती है जो चीटिंग करने के लिए चिट्स बना के लाता है। अगर उसके पास एग्जामिनर आकर खड़ा हो जाए अल्लाह फरमा वहां पर तुम्हारे वो फौलनाकी का जो मामला होगा वही बड़ी देर में खत्म होगा पहले जो नेको का रहे हैं बस उनसे खत्म होगा बाकी बदकारों के लिए तो हमेशा फौलनाकी रहेगी ए नबी अलैहि वसल्लम इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है कहो अल्लाह अब ला महला हम में और तुम में से कोई एक ही हिदायत पर है या खुले गुमराही में बड़ा पड़ा हुआ है अब देखें अल्लाह सुबहान यहाँ पर क्लियर कर दिया हम दोनों में से या, यानी एक कुफर करने वाले एक ईमान वाले दोनों में से एक ही तो हिदायत पर हो सकता है अगर तुम कह रहे हो कि मौत के बाद नहीं उठाया जाना और हम कह रहे हैं कि मौत के बाद उठाया जाना तो तुम ये समझ लो कि मौत के बाद उठाया जाना है क्योंकि अगर नहीं उठाना है उठाया जाना तो वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा है ना मतलब एक दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं एक कह रहा है मौत के बाद नहीं उठाया जाना का, का, काफिर कह रहा है ईमान वाला कह रहा है मौत के बाद उठाया जाने वाला है और हिसाब किताब होना है तो क्यों ना उस चीज को सामने रख के चला जाए कि के हाँ इन केस अगर उठाया गया अगर तुम नहीं भी मान रहे हो तो जान लो अगर एक वो कर लो फर्ज कर लो अगर उठाया भी गया तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा कि अगर तुम उसकी तैयारी कर लोगे और नहीं उठाया गया तो वो तो दोनों ही के लिए अच्छा है कि चलो तुम्हारी बात भी सही हो गई और हम भी क्या हो गए बड़ी जिम्मा हो गए तो क्यों ना उस चीज के लिए प्रिपेयर हुआ जाए कि जो आ, आगे खदशा हो सकता है तो यहां पर अल्लाह सुबहाना फरमा रहे कि दोनों में से एक ग्रोह तो हिदायत पर होगा तो जो जो ज्यादा मतलब ऐसा है कि जिसके अंदर एहतियात करने की जरूरत है वो एहतियात कर ली जाए तो क्यों ना एहतियात वाला मामला इख्तियार कर लिया जाए इनसे कहो जो कसूर हमने किया हो उसकी कोई बासपुरुश तुमसे ना होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी कोई जवाब तलबी हमसे ना नहीं होगी कोई किसी के लिए आ, खड़ा होकर जवाब नहीं देगा सबको अपने अमल का जवाब देना है कहो हमारा रब हमको जमा करेगा फिर हमारे दरम्यान ठीक ठीक फैसला कर देगा वो ऐसा जबरदस्त हाकिम है जो सब कुछ जानता है फैसला करने के लिए इल्म की जरूरत है और अल्लाह रबुलजत तो शहादा सब कुछ का इल्म जानता है। तो सबसे करेगा। इनसे कहो जरा मुझे दिखाओ तो सही वो कौन हस्तियां हैं जिन्हें तुमने इसके साथ शरीक लगा रखा है हरगिज नहीं जबरदस्त और दाना तो बस वो अल्लाह ही है और ए नबी सलम हमने तुमको तमाम ही इंसानों के लिए बशीर और नजीर खुशखबरी देना और डराने वाला बनाकर भेजा है मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और ये क्यों नहीं जानते क्योंकि हम अमल नहीं करते ईमान वालों से कयामत के दिन पूछा जाएगा कि भई तुमने क्यों नहीं लोगों तक पहुंचा दिया कहेंगे अल्लाह हम किस किस को पहुंचाते अल्लाह कहेगा कि तुम अमल करते लोगों तक बात खुद पहुंच जाती तो हमने तो अमल भी नहीं किया यानी हम कितना गलत अपने दीन को पोर्ट्रे कर रहे हैं लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि लोगों ने इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी है ये लोग तुमसे कहते हैं कि वो कयामत का वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो कहो तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन की मियाद मुकर है जिसके आने में ना एक घड़ी भर की ताखीर तुम कर सकते हो ना एक घड़ी भर पहले उसे ला सकते हो ना कयामत ना मौत तुम ना पहले ला सकते हो एक सेकंड भी और ना बाद में ये काफिर कहते हैं कि हम हरगिज इस कुरान को ना मानेंगे और ना इससे पहले आई हुई किसी किताब को तस्लीम करेंगे काश तुम देखो इनका हाल उस वक्त जब ये जालिम अपने रब के हुजूर खड़े होंगे उस वक्त ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरेंगे जो लोग दुनिया में दबा कर रखे गए थे वो बड़े बनने वालों से कहेंगे अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते यानी जो लोग अपने आप को बड़ा समझते और दीन खोपते हैं दूसरों पर अब वो दीन चाहे शरीयत के मुताबिक हो या ना हो अब ये उनके बुतों की भी बात है और हमारे बड़ों की भी बात है जो शिरक और बिदत करते हैं उन लोगों की भी बात है कि हमने जो कर लिया वही तुम सबको करना है अल्लाह कह रहा है कयामत के दिन ये जो दबे हुए लोग हैं जो छोटे सब लोग हैं वो कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम दीन पर होते हम ईमान वाले होते मोमिन होते वो बड़े बनने वाले इन दबे हुए लोगों को जवाब देंगे क्या हमने तुम्हें उस हिदायत से रोका था जो तुम्हारे पास आई थी नहीं बल्कि तुम खुद मुजरिम थे यानी तुमने ये कोशिश भी नहीं की कि अपने कुरान को खोल कर दे हमने नहीं किया तो तुमने क्यों नहीं किया तुम तो हमसे कहकर तुम तुम हम हमारे उसके राह पर क्यों चले तुम तो अल्लाह की बताई हुई राह पर चलते वो दबे हुए लोग इन बड़े बनने वालों से कहेंगे नहीं बल्कि और रोज की मक्कारी थी जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफर करें और दूसरों को इसका हमसर ठहराएं आखिरकार जब ये लोग आजाब देखेंगे तो अपने दिलों में पछताएंगे और हम इन मुनकरीन इन इनकार करने के करने वालों के गलों में तोक डाल देंगे क्या लोग क्या लोगों को इसके सिवा और कोई बदला दिया जा सकता है कि जैसे आमाल उनके थे वैसे ही जजा हो पाए अल्लाह ने फरमाया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे इससे भी बेहतर कोई सोल्यूशन है तो अल्लाह तो यही करने वाला है क़यामत के दिन इंसाफ के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेजा हो और उस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये ना कहा हो कि जो पैगाम तुम लेकर आए हो उसको हम नहीं मानते यानी जब भी इनकार हुआ है सबसे पहले किन लोगों ने जो एलिट क्लास के लोग थे जो बड़े जो आ, मालदार लोग थे उन्होंने ही सबसे पहले इनकार किया गरीबों में गरीबों ने तो बढ़कर इस्लाम को कबूल किया उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल और औलाद रखते हैं और हम हरगिज सजा पाने वाले नहीं है यानी उनको हमेशा नसीहत बन बताने वाला कमतर लगा अपने से अपने आप से छोटा जाना उसको इसीलिए उसकी बात को नहीं माना कि भाई तुम गरीब और हम हमें समझाते हो मालदारों को तुम हो कौन अल्लाह को तुम ही मिले थे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मेरा रब जिसे चाहता है कुछ आदा रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपातुला रिस्क देता है मगर अक्सर लोग इसकी हकीकत नहीं जानते ये तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें तुम्हें हमसे करीब करती हो हाँ मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे यही लोग हैं जिनके लिए उनके अमल की दूसरी जजा है दोहरी जजा डबल जजा है और वो बुलंद उबाला इमारतों में इतमान से रहेंगे अल्लाह ने कह दिया कि औलाद तुम्हें हमारे करीब नहीं कर रही तुम्हारे माल हमारे करीब नहीं कर रहे, रहे बल्कि क्या कर रहे हैं तुम्हारा ईमान और तुम्हारे अमाल हमसे करीब करते हैं तुम्हें तो जिसको इस बात का गर्रा है कि उसके पास बहुत औलाद है और बहुत माल है वो जन्नत में चला जाएगा क्योंकि अल्लाह उससे राजी है तो हरगिज भी ऐसी बात नहीं है अल्लाह ने कह दिया नेक अमल करोगे तो जन्नत हासिल होगी और बहुत इत्मीनान से रहोगे उन इमारतों में इत्मीनान किस बात का कि ये जैसे दुनिया में होता है अरे ज्यादा खा लिया ज्यादा एक्सपेंसिव बिल बना दिया बहुत बहुत सारा कुछ खा लिया या फिर हम बहुत देर घूम लिए बहुत वक्त जय हो गया ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब जितना टहले जितने मजे करें जितने इंजॉयमेंट करें जो खाएं किसी भी चीज की कोई पूछताछ नहीं होगी रहे वो लोग जो हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं तो वो अजाब में मुब्तला होंगे है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपातुला दे देता है जो कुछ तुम खर्च कर कर देते हो उसकी जगह वही तुमको और देता है वो सब राजों से बेहतर राजिक है यानी अल्लाह के राम में जो खर्च किया जाएगा वो जाये नहीं होगा और जिस दिन वो तमाम इंसानों को जमा करेगा फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे कुछ लोगों ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दिया मुश्रका ने मक्का ने कहा फरिश्ते अल्लाह की बेटिया अल्लाह पूछेगा फरिश्तों से क्या ये तुम्हारी इबादत करते थे तो फरिश्ते जवाब देंगे पाक है आपकी जात हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना के इन लोगों से अल्लाह कैसे डिजोन कर देंगे वो फरिश्ते कि हम हम इनको जानते नहीं हम ये 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 फरेबी लोग हैं झूठे लोग हैं हम हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है इन लोगों से दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिनों की इबादत करते थे इनमें से अक्सर उन्हीं पर ईमान लाए हुए थे उस वक्त हम कहेंगे कि आज तुम में से कोई ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान और सालिमों से हम कह देंगे कि अब चखो इस अजाब का मजा जहन अजाब जहन्नम का मजा जिससे तुम झुटकाया करते थे अल्लाह तजाल इन, इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती है तो ये कहते हैं कि यह शख्स तो बस यही चाहता है कि तुमको उनबूदों से बर्गश्ता कर दे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते थे फिर वो इबाद के ये चाहते हैं कि तुम्हें हटा दे तुम्हारे बाप दादाओं के तौर तरीके से और कहते हैं कि ये कुरान महज एक झूठ गड़ा हुआ है इन काफिरों के सामने जब हक आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो सरी जादू है यानी कुरान को झूठ कह दिया और जब हक देखा तो उसको जादू कह दिया हालांकि ना हमने इन लोगों को पहले कोई किताब दी थी कि ये उसे पढ़ते हों और ना तुमसे पहले इनके तरफ कोई मुतनबे करने वाला आया था अरब में तो उसके बाद मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कई सौ साल पहले ना कोई यहाँ पर नबी आया था ना कोई किताब आई थी तो कैसे तुम कह रहे हो कि जादू है और ये है और वो है इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुटला चुके हैं जो कुछ हमने उन्हें दिया था उसके अशरे अशीर को भी ये नहीं पहुंचे हैं मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त हुई अल्लाह फरमाता है कि पहले की उम्मतों ने भी झुटलाया और अल्लाह ने उनके अशरे अशीर को भी तुम्हें नहीं पहुंचाया यानी तुम्हें इतनी जितनी माल और दौलत और जितनी स्किल्स और जितनी क्रिएटिविटी हमने पहली उम्मतों को दी थी उतनी तो तुम्हारे पास है भी नहीं इतनी माल और औलाद तो तुम्हें दी भी नहीं है तो और ऐसी लंबी लंबी उम्रें और ऐसी जसामतें ऐसी पर्सनालिटीज़ जो तुम्हें दी भी नहीं है ऐसी हाइट्स वो लोग हाइट में भी अच्छे होते थे पर्सनालिटी में भी अच्छे होते थे इंटेलिजेंस में भी अच्छे होते थे और ताकत भी उनके पास ज्यादा होती थी और वो घर और इमारतें भी बहुत बेहतरीन बनाया करते थे अल्लाह है तुम तो उसके अशरे अशर यानी उसके दसवें हिस्से को भी नहीं पहुंचे जो तुम्हें दिया है जो पहलों को दिया था हमने जब उनको तबाह कर दिया तो तुम्हारा बर्बाद करना तुमको ने तो नाबूद करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है अगर तुम नाफरमानी करो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूँ खुदा के लिए तुम अकेले अकेले और दो दो मिलकर अपना दिमाग लड़ाओ और सोचो तुम्हारे साहब में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जुनून की हो जरा तुम जरा गौर तो करो कि अकेले बैठ के सोचो दो लोग को ले लो तीनों को ले तीन लोग बैठ जाओ और जरा डिस्कशन करो और बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी ऐसी बात तुम्हें लग रही है कि जो जुनून वाले जिसके ऊपर जुनून होता है या आसेब होता है या जिन होता है तो वो तो अपने ठिकाने ही नहीं होते उसके हवास के यहाँ तो नबी फैसले भी कर रहे हैं और तुम्हें हक भी बता रहे हैं और तुम्हें दीन और दुनिया की तमाम बातें भी बता रहे हैं तो ये जुनून वाला शख्स करता है क्या वो तो एक सख्त आजाब की आमद से पहले तुमको मुतनबे करने वाले हैं बल्कि तुमको तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि वो आजाब से तुम्हें वॉन कर रहे हैं अगर किसी को कोई बता दे झूठे भी कि भाई वहां पर फुला जगह पर क्या लगी है आग लगी हुई है तो क्या करेंगे हम एहतियात करेंगे वहां नहीं जाएंगे तो झूठी बात के ऊपर हम दुनिया का क्योंकि दुनिया भी मामला है तो हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर यकीन कर ले रहे हैं अल्लाह के रसूल फरमा रहे आग तैयार कर दी गई है लग चुकी है भड़क चुकी है लोग मानने को ही तैयार नहीं लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि वाकई में आग जहन्नम भड़क चुकी है इनसे कहो अगर मैंने तुमसे कोई अजर मांगा हो मांगा है तो वो तुम ही को मुबारक रहे मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है और वो हर चीज पर गवाह है यानी अगर बदले में कुछ मालो दौलत आप अलैहि वसल्लम ने मांगी होती तब तो समझ आ रहा होता कि ये झूठ बोल रहे हैं लेकिन जब वो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं तो तुम कैसे फिर उनकी बात को रद्द कर सकते हो इनसे कहो मेरा रब मुझ पर हक़ का इल्का करता है और वो तमाम पोशीदा हकीकतों को जो छुपी हुई हकीकत है उनको जानने वाला है कहो हक आ गया है और अब बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता कहो अगर मैं गुमराह हो गया तो मेरी गुमराही का बवाल मुझ पर है और अगर मैं हिदायत पर हूँ तो उस वही की वही की बिना पर हूँ जो मेरा रब मेरे ऊपर नाजिल करता है वो सब कुछ सुनता और करीब है जमयन करीब अल्लाह सुबह तलुक से कहा गया तुम्हें अल्लाह गौर से सुनता है अल्लाह बहुत करीब है तुम्हें बीच में किसी भी वाया वाया जाने की जरूरत नहीं है अल्लाह को डायरेक्ट तुम पुकार सकते हो और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने हिदायत किस वजह से दी इस वही के जरिए से दी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से हिदायत मिली तो अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हमें भी वही से हिदायत अता फरमा दे काश तुम देखो उन्हें उस वक्त जब ये लोग घबराए फिर रहे होंगे और कहेंगे कहीं बचकर ना जा सकेंगे बल्कि करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे कयामत के दिन उस वक्त ये कहेंगे कि हम उस पर ईमान ले आए हालांकि अब दूर निकली हुई चीज कहाँ हाथ आ सकती है तुम्हारे ईमान तुमसे बहुत दूर निकल गए अब हाथ पैर मारोगे तब भी कुछ नहीं मिलने वाला अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका मोहलत खत्म हो गई इससे पहले ये कुफर कर चुके थे इससे पहले ये कर चुके थे और बिला तहकीक दूर दूर की लाया करते थे यानी फजूल की बातें करते थे और ऐसी बातें करते थे जिसका सर पैर ही ना हो उस वक्त जिस चीज की ये तमन्ना कर रहे होंगे उससे महरूम कर दिए जाएंगे किस चीज से मौत कि अल्लाह हमें मौत दे दे या अल्लाह हमें दोबारा भेज दे सब चीज से महरूम कर दिए जाएंगे जिस तरह इनके पेश रोग हम हम मशरब महरूम हो चुके होंगे ये बड़े गुमराह कुल शक में पड़े हुए हैं यानी इनसे पहले लोग जो हैं जिस तरह से महरूम हो गए उसी तरह ये लोग भी महरूम हो जाएंगे सूर्य फातिर फातिर फतरा फरा मतलब होता है किसी चीज को फातिर यानी बनाने वाला शुरू से बनाने वाला अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमान और जमीन का बनाने वाला और फरिश्तों को पैगाम रसा मुकर करने वाला फरिश्तों को भी अल्लाह ने रसूल बनाया मैसेंजर बनाया जिबरी भी एक रसूल थे जो के वही लाते थे ऐसे फरिश्ते जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार बाजू हैं यानी चार चार तीन तीन दो दो पर हैं तो ये तो बहुत मिनिमम जिबरीम के छह सौ पर हैं वो अपनी मखलूक की साख में जैसा चाहता है इजाफा करता है यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है जिसका जो जो काम होगा उस हिसाब से अल्लाह ने उसको उतने बाजू दिए होंगे अल्लाह जिस रहमत का दरवाजा भी लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे वो बंद कर दे उसे अल्लाह के बाद फिर कोई दूसरा खोलने वाला नहीं वो जबरदस्त और हकीम है लोगो तुम पर अल्लाह के जो एहसानात हैं उन्हें याद रखो देखिये फिर वही बात आ रही है अल्लाह के एहसानात याद रखोगे तो शुक्र करोगे तो हम अपनी एक बुक बना लें अल्लाह के एहसानात को लिखते रहें आप लिख लिख के थक जाएंगे अल्लाह सुबहाना तला के एहसाना खत्म नहीं होंगे कम अज कम हमारे अंदर शुक्र गुजारी तो पैदा होगी कि हम अल्लाह की उन नेमतों का शुक्र करें जो अल्लाह ने दी हैं उनका उनका शिकवा ना करें जो अल्लाह ने नहीं नहीं दी लोगों तुम पर अल्लाह के जो एहसानात हैं उन्हें याद रखो क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक भी है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता हो कोई माबूद उसके सिवा नहीं आखिर तुम कहाँ से धोखा खा रहे हो यानी जब सारी बातें क्लियर है तो कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें धोखे में रखे हुए है अब अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुटाए जा चुके हैं मूसा ईसा और बहुत सारे नबियों को झुटलाया जा चुका और सारे मामला आखिरकार अल्लाह ही की तरफ रुझू होने वाले हैं बिल सारा जो भी है जितनी भी अकाउंटेबिलिटी है अल्लाह के सामने सारा मुहासिबा होने वाला है लोगो अल्लाह का वादा यकीन बरहक है सच्चा है लिहाजा दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले और ना वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में डाले यानी वो शैतान और वो तुम्हारा नफ्स दोनों ही तुम्हें धोखे में ना डाले हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो अल्लाह बार बार कह रहा है खुला दुश्मन है दुश्मन मानो दुश्मन मानो दुश्मन मानो वो तो अपने पैरुओं को अपनी राह पर इसलिए बुला रहा है कि वो दो जखियों में शामिल हो जाए यानी अल्लाह अल, फरमाता है शैतान तुम्हें इसलिए अपनी तरफ बुलाता है अपने हुक्म मनवाता है ताकि तुम उसका साथ साथ दो जहन्नम में ता, तुम उसके साथी बनकर चलो जहन्नम में जो लोग लोगफ्र करेंगे उनके लिए सख्त आजाब है और जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे उनके लिए मफ्रत और बड़ा अजर है भला कुछ ठिकाना है उस शख्स की गुमराही का जिसके लिए उसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया हो यानी वो गलत काम कर रहा है अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है अल्लाह के दीन के मुताबिक अमल नहीं कर रहा है और समझ रहा है कि मैं बहुत नेकी कर रहा हूँ मैं बहुत सही काम कर रहा हूँ और वो उसे अच्छा समझ रहा हो हकीकत यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराहि में डाल देता है और जिसे चाहता है राह रास दिखा देता है बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां मखा तुम्हारी जान इन लोगों की खातिर गम और अफसोस में ना घुले जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है आपको इतना रोने की और तड़पने की जरूरत नहीं है अल्लाह ने काफिरों को ही सजा देनी है आप इन काफिरों के लिए अपनी जान को ना हलाक करें वो अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है फिर वो बादल उठाती हैं फिर हम उसे एक उजाड़ इलाके की तरफ ले जाते हैं और उसे जम, उसी जमीन को जिला उठाते हैं जो मरी पड़ी थी अल्लाह सुबहाना हमारे दिल की सरजमीन को भी मुर्दा होने के बाद जिंदा कर दे अल्लाह इस वही के नूर से इस कुरान के नूर से अल्लाह इस कुरान के मुकम्मल होते होते हमारे दिलों को जिला बख्श दे अल्लाह हमारे दिलों की जमीन के अंदर हिदायत की फसल नहलाहा दे जिला उठाए जो मेरी पड़ी जो मरी पड़ी थी मरे हुए इंसानों का जी उठना भी इसी तरह है जिस तरह जमीन का जी उठाना है अल्लाह के लिए उतना ही आसान है मुर्दों का उठाना जो कोई इज्जत चाहता हो उसे मालूम होना चाहिए कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह की है यानी अल्लाह सुबहान के हाथ है इज्जत अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे बड़ी ज़द्लतों और पारियों में भी उसको इज्जत दे देगा और जिसे रसुआ करना चाहे सारी इज्जतों के बीच में उसे रसुआ कर देगा उसके हाँ जो चीज ऊपर चढ़ती है वो सिर्फ पाकिजा कॉल है अच्छी बात है अल्लाह का पाकिजा कॉल में कलमाए तैयबा आता है नेक बातें आती हैं आ जो अस्कार होते हैं वो आते हैं और दुआएं आती हैं तो अल्लाह फरमाता है पाकिजा कलमात ऊपर की तरफ चढ़ते हैं पाकिजा चीजें जिस तरह से पानी कैसे छन कर ऊपर चढ़ता है भाप बनकर उड़ता है तो उसमें नमक नहीं होता हम जानते हैं ना वाटर साइकिल जो हम सब ने बचपन में पढ़ी थी तो अल्लाह सुबहाना तला हर पाकिजा चीज को ऊपर उठाता है इज्जत सारी की सारी अल्लाह की है उसके यहाँ जो जो चीज ऊपर चढ़ती है वो सिर्फ पाकिजा कौल पाकिजा कलमा पाक तय तै, कलमाए तयबा है और अमल सौले इसको ऊपर चढ़ाता है यानी जितनी अच्छी बातें होती हैं नेक अमल उसको उतना ही क्या करते हैं लिफ्ट करवाते हैं इसको ऊपर चढ़ाता है रहे वो लोग जो बेघुदा चालबाजियां करते हैं उनके लिए सख्त आजाब है और उनका मकरों मकर खुद ही खुद ही गारत होने वाला है अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर नुतफे से फिर तुम्हारे जोड़े बना दिए यानी मर्द औरत और 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 बना दिए कोई औरत हामला नहीं होती और ना बच्चा जनती है मगर ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में होता है कोई जिस औरत को हमल ठहरता है अल्लाह के इल्म में होता है कोई उम्र पाने वाला उम्र नहीं पाता और ना किसी की उम्र में कुछ कमी होती है मगर ये सब कुछ एक किताब में लिख रखा है यानी कौन छोटी उम्र में मरेगा कौन बुढ़ापे में मरेगा कौन अर्जल उम्र तक चला जाएगा कौन जवानी में मरेगा सब अल्लाह को खबर है अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है और पानी के दोनों जखीरे यकसा नहीं है एक मीठा और प्याज बुझाने वाला पीने में खुशगवार दूसरा सख्त खारी के हलक छील दे समंदर के पास भी खड़े हो तब आप समंदर का पानी नहीं पी सकते अलबत्त दरिया के पास खड़े हो तो दरिया का पानी आप पी सकते हैं अल्लाह ने फरमाया दो मुख्तलिफ अल्लाह रबुल्जत ने दरिया बना दिए हैं मगर दोनों से तुम तरोताज़ा गोश्त हासिल करते हो कैसा मछलियां समंदर की मछलियां भी खाते हो दरिया की मछलियां भी खाते हो दोनों में ऐसा नहीं है कि जो समंदर की मछलियाँ बहुत खारी होती हैं और हमसे खाई नहीं जाती ऐसा होता है नहीं होता अल्लाह फरमाता है जरा ये अल्लाह का मुजा देखो अल्लाह रबुल्जत के ये हैं दूसरा सख्त खारी हलक छील देने वाला दोनों से तुम तर ताजा गोश्त हासिल करते हो पहनने के लिए जीनत का सामान निकालते हो गिर मोती जवारा जमरुद कोरल और इसी पानी में तुम देखते हो कि कश्तियां उसका सीना चीरती चली जा रही हैं ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो वो दिन के अंदर रात को और रात के अंदर दिन को फिरोता है यानी सर्दी और गर्मी में दिन और रात का छोटा बड़ा होना सर्दियों में दिनों का बड़ा हो जाना सॉरी uh, सर्दियों में रात uh, रातों का बड़ा हो जाना और गर्मियों में दिनों का बड़ा हो जाना यह अल्लाह फरमा रहे हैं रात को अल्लाह पिरोता चला जाता है चांद और सूरज को, सूरज को को उसने मसखर कंट्रोल कर रखा है ये सब कुछ एक वक्त मुक्र तक चले जा रहे हैं वही अल्लाह जिसके ये सारे काम है तुम्हारे रब है बादशाही इसी की है उसे छोड़कर जिन दूसरों को तुम पुकारते हो वो एक परकाह के मालिक नहीं है परकाह के भी मालिक नहीं थोड़े से जर्रे के भी वो मालिक नहीं है यानी अगर उनसे एक जर्रा बनाने को कहा जाए वो जर्रे के वो जर्रा आपने देखा होगा कभी किसी चीज जब रोशनी सूरज की आ रही होती है और एक रे निकल निकलती है उसमें कितने जर्रात घूम रहे होते हैं अल्लाह फरमाना उतने के भी ये मालिक नहीं है उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी दुआएं सुन नहीं सकते और सुन ले तो उनका तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकते और कयामत के रोज वो तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे अल्लाह ने जो जिंदा हस्तियां और जो मुर्दा दोनों के बारे में बता दिया यानी बुतों के बारे में भी बता दिया लकड़ी पत्थर के कि वो सुन ही नहीं सकते और जो जिंदा है अगर वो सुन ले मतलब जिंदा इन देंस जो अल्लाह जो इंसान है एक बुत हो गया और एक इंसान हो गया अल्लाह फरमार अगर सुन भी ले तो तुम्हारी हाजत रवाई नहीं कर सकते कोई जवाब नहीं दे सकते और कयामत के रोज वो तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे तो हर चीज के शिरक को मना कर दिया गया बुतों के लकड़ी पत्थर के इंसानी शख्सियत परस्ती के हर किस्म के शिरक से अल्लाह सुबहाना ने रोक दिया अगर आप गौर करें ना तो अल्लाह सुबहान हर थोड़ी आयत के बाद शिरक की बात करते हैं कितना नागंवर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शिरक और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो हैं शिरक में मुबतला हैं अल्लाह सुबहान तब हम सबको बात नहीं हिडन अपेरेंट जितने भी किस्म के शिरक हैं अल्लाह सुबहाना तला सबसे हमारी हिफाजत फरमाए और कयामत के रोज वो तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे हकीकत हाल हकीकत हाल हकीकत हाल की ऐसी सही खबर तुम्हें एक खबरदार के सिवा कोई नहीं दे सकता यानी जितना जो तुमको नॉलेज दी जा रही है अल्लाह के रसूल के जरिए से क्योंकि अल्लाह रबुल्ज से डायरेक्ट कांटेक्ट में है आप वसल्लम इसीलिए तुमको बिल्कुल ठीक ठीक खबरें मिल रही हैं लोगो तुम ही अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह तो गनी और हमीद है अल्लाह को किसी की मोहताज ही नहीं और अल्लाह को किसी की जरूरत भी नहीं है अल्लाह फरमा रहा है मैं गनी हूँ और मैं हमीद हूँ मेरी हमद आप ही आप हमद है अल्लाह को तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है वो चाहे तो तुम्हें हटा कर कोई नई खिलकत तुम्हारी जगह ले आए ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी दुश्वार नहीं यानी तुम नाफरमानी करो अल्लाह तुमसे बेहतर ले आएगा कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा और अगर कोई लदा हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो उसके बार उसके बार का एक अदना हिस्सा भी हटाने के लिए कोई ना आएगा चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों ना हो यानी तुम्हारे अमलों के तुम्हारे गुनाहों के बोझ का तुम्हारे रिश्तेदार भी कोई हिस्सेदार ना बनेंगे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को खबरदार कर सकते हो जो बे देखे अपने तो गैब का है गैब में से जो डरते हैं और नमाज कायम करते हैं जो शख्स भी पाकिजगी इख्तियार करता है अपनी ही भलाई के लिए करता है और पलटना सबको अल्लाह ही की तरफ है कौन सी पाकिजगी नहाना धोने की बात हो रही है यहाँ पर दिल की पाकिजगी की बात हो रही है दिल की तहारत की बात हो रही है दिल को हिदायत के नूर से चमकाने की बात हो रही है ना तारीखियां और रोशनियाँ यकसा हैं अंधेरे और रोशनी बराबर नहीं हो सकते ना ठंडी छाव और धूप की तपिश एक जैसी हो सकती है और ना जिंदे और मुर्दे एक जैसे हो सकते हैं अल्लाह जिसे सुनवाता है अल्लाह जिसे चाहता है सुनवाता है अल्लाह सुबह हमें सुनने वालों में रखे अल्लाह सुबहान तला हमें कुरान की तालीम को सुनने सुनाने वालों में रखे मगर एन या ये कितना फजल है। अगर हम रमजान में सुन रहे हैं तो हम इसको सुन रहे हैं मगर एन नबी सल वसलम तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में मदफून है दफन किए हुए हैं तुम तो बस एक खबरदार करने वाले हो यानी मुर्दों को नहीं सुनाया जा सकता और जो जिनके दिल मुर्दा हो गए उनको भी नहीं सुनाया जा सकता हमने तुमको हक के साथ भेजा है बशारत खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें कोई मुतनबे यानी डराने वाला ना आया हो अल्लाह ने सब में वार्नर्स भेजे सब में वार्निंग्स भेज दी गई उसके बाद अजाब आए अब अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी झुटला चुके हैं उनके पास इनके रसूल खुली दलाइल खुले एविडेंसेस और सहीफे यानी पैम्फलेट्स बुक्स बुकलेट्स और रोशन हिदायत लेने देने वाली किताब लेकर आए थे पहले किताबें भी नाजिल हुई बुकलेट्स भी नाजिल हुए सारा कुछ लेकर आए गए लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया फिर जिन लोगों ने ना माना उनको मैंने पकड़ लिया और देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त है जब अल्लाह मैं कहते हैं ना तो अल्लाह बहुत गुस्से में कह रहे होते हैं या मोहब्बत में कहते हैं जब अल्लाह को बहुत मोहब्बत आती है तब मैं इस्तेमाल होता है और जब अल्लाह को बहुत सख्त नाक होते हैं तब मैं करते हैं वरना हम कहते हैं अल्लाह सुबहान यहाँ पर कितने गुस्से में याद नाजिल हुई है कि तो लोगों ने ना माना उनको मैंने पकड़ लिया और देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और फिर उसके जरिए से हम तरह तरह के फल निकाल लाते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं पहाड़ों में भी सफेद सुर और गहरी सियाहधारियां पाई जाती हैं अगर आपने पहाड़ों को देखा होगा जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसके अंदर कितने सारे कलर्स होते हैं ऑरेंज ग्रीन वाइट तो मल्टी कलर के अगर आपको वक्त मिले तो क्लास के बाद देखिएगा इन जिन्होंने नहीं देखा होगा तो वो सर्च कीजिएगा तो पहाड़ों के भी डिफरेंट कलर होते हैं ठीक है तो माउंटेन्स uh, देखिएगा कि कितने मल्टी कलर होते हैं तो अल्लाह सुबहान तला रहे पहाड़ों के अंदर भी कलर अल्लाह सुबहान ने मुख्तलिफ बिखेर दिए सफेद सुर गहरी सिया धारियां पाई जाती हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं और इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं बेशक अल्लाह जबरदस्त और दरगुजर फरमाने वाला है जो लोग किताब अल्लाह की यानी रंग जो है ना रंगों का बिखर जाना इस दुनिया में इतनी खूबसूरत दुनिया का रंगीन हो जाना ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा मोजा है बहुत बड़ा ये जो वैरायटी है ये जो तनवो है अल्लाह सुबहान तला ने जो दुनिया में बिखेर दिया है जिससे आंखें खुश होती हैं मसरूर होती हैं अल्लाह सुबहान ते ये, ये इंसानों पर एहसान है इतने मुख्तलिफ रंगों की दुनिया बनाई है काली अगर अगर काली सफ़ेद बना देते या सिर्फ काली बना देते तो हम कितना मुश्किल हो जाता ना हर चीज़ को डिस्टिंगश करना इमेजिन करें हर चीज़ काली है इमेजिन करें हर चीज सफेद है कितना मुश्किल हो जाता कि आपकी अगर एक सुई भी गिर गई होती तो आप उसको ढूंढना ढूंढना मुश्किल हो जाता अल्लाह फरमाना इतने रंग हमने दुनिया में बिखेर दिए जो लोग किताब किताबुल्लाह किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है रिस्क उसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं यकीन वो एक ऐसी तजारत के मुतवके हैं ऐसा ट्रेड और ऐसा बिजनेस उन्होंने किया है जिसमें हरगिज जिस नुकसान नहीं खसारा नहीं नो लॉस इन दिस ट्रेड अल्लाह रब्बुल रबुलजत जिसने बिजनेस कर लिया ना माल और दौलत तो अपनी खर्च करके वो कभी भी नुकसान में नहीं आएगा इस तजारत में उन्होंने अपना सब कुछ इसलिए खपाया है ताकि अल्लाह उनके अजर पूरे के पूरे उनको दे दे क्योंकि एक यही बारगाह है जिसके अंदर हक मारे नहीं जाते जिसके अंदर जो दिया गया है उससे बढ़ चढ़कर मिल जाता है और मजीद अपने फजल से उनको अता कर दे यानी फजल क्या है जो डिजर्व नहीं करते वो भी मिल जाता है जो मुस्क नहीं है वो भी मिल जाता है बेशक अल्लाह बख्शने वाला और कदरदान है नबी सल अल्लाह वसलम अल्लाह कदर करेगा हम जो ये वक्त लगा रहे हैं अल्लाह हर लम्हे की कदर करेगा अल्लाह हमारे पसीने के कतरों को भी समेट लेता है अल्लाह सुबान तला हमारे कदमों को भी गिन लेता है अल्लाह सुबान हमारे लम्हों को भी गिन लेता है अल्लाह इतना कदरदान है कि आप जितने लम्हे कुरान को दे रहे हैं आप जितना वक्त आपको नींद आ रही है आप अप अपने नींद को कंट्रोल कर रहे हैं आप आप अपने दिल को समझा रहे हैं कि भाई अब सुन लो और थोड़ा सुन लो और थोड़ा वक्त दे दो तो ये सब कुछ अल्लाह सुबान की बारगाह में काउंट हो रहा है अल्लाह रहा है मैं बहुत कदरदान हूँ और अल्लाह जैसी कदर किसी कोई कर ही नहीं सकता ए नबी वसल्लम जो किताब हमने तुम्हारी तरफ वही की के, वही के जरिए भेजी है कुरान करीम वही हक है वही सच है तस्दीक करती है कन्फर्म करती है करती हुई आई है उन किताबों की जो इससे पहले तौरा जबूर इंजील आई थी बेशक अल्लाह अपने बंदों के हाल से बाखबर है हर चीज पर निगाह रखने वाला है फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने इस, विरा, इस विरासत के लिए अपने बंदों में से चुन लिया अब कोई तो इनमें से अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है और कोई बीच की रा भी, बीच की रास है बीच की और कोई बीच की राह है और कोई अल्लाह के इजन से नेकियों में बीच की राह पर है यानी और कोई अल्लाह के इजन से नेकियों में सबकत करने यानी अल्लाह ने फरमा दिया तीन कैटेगरी हो गई जब हमने किताब दी कुछ लोगों ने क्या किया अपने ऊपर जुल्म किया इसको मानने से इनकार कर दिया कोई जो बैन बैन चल रहा है बिल्कुल दरमियान में इधर भी है और उधर भी है और कोई जो है नेकियों में हद से ज्यादा आगे बढ़ने की दौड़ लगा देता है जैसे ही उसको नेकी का हुक्म मिले वो दौड़ पड़ता है चुनिया अब कोई तो इनमें से अपने नफ्स पर जुल्म करता है कोई बीच की में है और कोई अल्लाह के से नेकियों में सबकत करने वाला, मतलब करके आगे निकल जाने वाला है यही बहुत बड़ा फजल है हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे वहां उन्हें सोने सोने के कंगनों और मोतियों से आरासा किया जाएगा वहां उनका लिबास रेशम का होगा और वो कहेंगे कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमसे गम दूर कर दिया यकीनन हमारा रब मुआफ करने वाला और कदर फरमाने वाला है दुनिया के तमाम गम अल्लाह सबा तला दूर कर देंगे और जन्नत में कोई गम होगा ही नहीं अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग शुक्र अदा करेंगे उसका जिसने हमें अपने फजल से अब दी हमेशा की कयाम की जगह दे दी है ना परमानेंट अबोर्ड अब यहाँ ना हमें कोई मशक्कत पेश आती है और ना थकान लाहक होती है और जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए जहन्नम की आग है ना उनका किस्सा पाक कर दिया जाएगा ना मर आ, के मर जाए और ना उनके लिए जहन्नम के अजाब में कोई कमी की जाएगी यानी कि मौत भी नहीं है वहां पर तो और ना अजाब में कमी की जाएगी इस तरह हम बदला देते हैं हर उस शख्स को जो कुफ्र करने वाला हो वो वहां चीख चीख कर कहेंगे कि ऐ हमारे रब हमें यहां से निकाल ले ताकि हम नेक अमल करें उन अमाल से मुखलिफ जो पहले करते थे अल्लाह हमें मौका दे हम पहले जैसे करते थे वैसे नहीं करेंगे हम नया कुछ करके दिखाएंगे तुझे दीन ने करके दिखाएंगे उन्हें जवाब दिया जाएगा क्या तुमने क्या क्या हमने तुमको इतनी उम्र ना दी थी जिसमें कोई सबक लेना चाहता तो सबक ले सकता था और तुम्हारे पास मुतनब खबरदार करने वाला भी आ चुका था अब मजा चक्ो िमों का यहाँ कोई मददगार नहीं है यहाँ पर एक 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 एक, पैरेबल, एक मिसाल दी जाती है एक मिसाल हमने पढ़ी है सुनी है एक्चुअली में और उसकी कोई सनद नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक शख्स था उसको बहुत ख्वाहिश थी यहाँ पर जो अल्लाह सुबहान तला ने कहा ना कि हमें निकाल दे हम क्या करेंगे नेक अमल करके दिखाएंगे तो वो जो एक शख्स था वो चाहता था कि आप सल्लाहम के दौर में, में पैदा होता और मैं वैसा बन जाता जैसे सहाबा है, तो वो बहुत बहुत उसकी ख्वाहिश थी बहुत ज्यादा वो दुआएं करता था कि काश मैं आप सल्लाह के दौर में होता काश मैं आप सल्लाम के दौर में होता सहाबा कराम की तरह होता उनकी तरह नेकिया करता तो ऐसा हुआ एक मरतबा उसने ख्वाब खौँदे देखा ख्वाब में क्या देखता है कि आप सल्लाह सहाबा कराम और वो वो शख्स कार में बैठे हुए कई जा रहे हैं और कार कार अचानक से क्या हो गया उसका एक्सीडेंट हो गया और वो खाई के दहाने पर आकर खड़ी हो गई ऐसा होता है ना लटक रही होती है तो वैसे ही वो आके खड़ी हो गई अब क्या हुआ कि उसने उसने सोचा अल्लाह ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गिर जाएंगे खाई में तो मुझे क्या करना चाहिए जल्दी से एक पत्थर लाना चाहिए बड़ा सा जो कि मैं पिछले टायर्स ता, के बीच में क्या कर दू लगा दू ताकि वो कार जो है आगे ना बढ़ सके और आप अलैहि वसल्लम सेफली उतर जाए तो वो जो था वो पत्थर ढूंढने चला गया और बहुत देर बाद वो पत्थर लेकर आया तो उसने देखा आके जब वो पत्थर लगाने लगा तो उसने देखा कि आप अलैहि वसल्लम कार में बैठे हुए हैं और सहाबा अकराम जो है अपने सरों को उसके अंदर फंसा कर बैठे हुए तो ये मामला है यानी ये तो एक, एक मिसाल है यानी सहाबा कराम के यूं अमल हुआ करते थे जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यानी कि वो सोच रहा था कि मैं सहाबा जैसे अमल करके दिखाता लेकिन सोचें कि उन्होंने सहाबा अकराम ने ये भी वेट नहीं किया कि एक लम्हे को भी दूरी हो उन्होंने अपने सरों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बचाने के लिए लगा दिया तो ये एक, एक मिसाल है कि लोग कहते हैं कि हम पिछले दौर में होते तो ऐसा करते अल्लाह को पता है कि किसको किस दौर में पैदा करना है और किसको कैसे अमल करवानी है और तुम्हारे पास मुतनबे करने वाला भी आ चुका था अब मजा चको जालिमों का यहाँ कोई मददगार नहीं बेशक अल्लाह आसमान और जमीन की हर पोचीदा चीज से वाकिफ है वो तो सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है यानी सीनों में कोई एक बात उठती है वो जहन तक पहुंचती नहीं है कि अल्लाह तक पहुंच जाती है वही तो है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया मतलब उसको खलीफा बना देना मतलब उसकी देख रेख तुम्हारे हाथ में सौंप दी अब जो कोई कुफ्र करता है उसके कुफ्र का बबाल उसी पर है और काफिरों को उनके कुफ्र इसके सिवा कोई तरक्की नहीं दिया देता, देता के इनके रब का गजब उन पर ज्यादा से ज्यादा भड़कता चला जाता है काफिरों के लिए खसारे में इजाफे के सिवा कोई तरक्की नहीं है अल्लाह ने कह दिया काफिर दुनिया में चाहे तुम्हें लग रहे हो कि इनसे ज्यादा माल और दौलत वाला औलाद वाला कोई नहीं है इनके तो क्या ठाट है और क्या इनके फंक्शंस हैं और क्या इनकी लग्जरीज हैं और क्या इनकी शादियां हैं और कितना ये खर्च कर सकते हैं अल्लाह फरमा है, जो भी दुनिया का मामला हो अल्लाह इनके लिए सिर्फ एक चीज बढ़ाएगा एक ही चीज में इनकी तरक्की होगी वो है अल्लाह के अजाब में और कयामत के दिन इनकी तरक्या सिर्फ अजाब की तरक्की होगी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कभी तुमने देखा भी अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारा करते हो मुझे बताओ उन्होंने ज़मीन में क्या पैदा किया है या आसमानों में उनकी क्या शिरकत है अगर ये नहीं बता सकते तो इनसे पूछो क्या हमने उन्हें क्या हमने उन्हें कोई तहरीर लिख कर दी थी लिख कर दी है जिसकी बिना पर ये अपने इस शिरक के लिए कोई साफ सनद रखते हो ना अल्लाह ने कोई प्रूफ दिया ना अल्लाह सुबाना तला ने किताब में कोई दलील दी कि मेरी फरिश्ते बेटियां हैं नजुबिल्ला तो ये खुद अपनी मर्जी से कैसे ये सारी बातें गढ़ लेते हैं नहीं बल्कि ये जालिम एक दूसरे को महज फरेब के साथ फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं हकीकत ये है कि अल्लाह ही है जो आसमान और जमीन को टल जाने से रोके हुए है और अगर वो टल जाए तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा उन्हें थामने वाला नहीं है बेशक अल्लाह बड़ा हलीम और दरगुजर फरमाने वाला है ये लोग कड़ी कड़ी कस्में पक्की पक्की कस्में खाकर कर कहा करते हैं करते थे कि अगर कोई खबरदार करने वाला इनके यहाँ आ गया होता तो ये दुनिया की हर दूसरी कौम से बढ़कर सीधे रास्ते पर होते यानी हमारे पास कोई वार्नर आता कोई गाइड आता कोई हमारे पास कोई रहबर आता तो हम क्या होते इनसे अच्छे अमल करके दिखाते दूसरे कौम से बढ़कर सीधे रास्ते पर होते मगर जब खबरदार करने वाला इनके पास आ गया तो उसकी आमद ने इनके अंदर हक से फरार के सिवा किसी चीज में इजाफा ना किया खबरदार करने वालों को देख कर क्या हो गए पीछे हट गए ये जमीन में और ज्यादा इस्तकबार करने लगे ज्यादा तकबर करने लगे और उनसे हसद रखने लगे ये यहूदियों ने यही किया था ना कि पहले बहुत दुआएं करते थे आप अलैहि वसल्लम बेहसत हो जाए और जब आप वसल्लम आ गए सबसे ज्यादा इन्होंने ही इनकार किया हालांकि बुरी चालें अपने चलने वालों ही को ले, ले बैठती हैं अब क्या ये लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ अल्लाह का जो तरीका रहा है वही इनके साथ भी बढ़ता जाए यही बात है तो तुम अल्लाह के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली ना पाओगे यानी पिछलों को आजाब दिया तो अल्लाह तुम्हें भी आजाद दे सकता है और तुम कभी ना देखोगे कि अल्लाह की सुन्नत को इसके मुकर्र रास्ते से कोई ताकत फेर सकती है क्या ये लोग जमीन में कभी चले फिरे नहीं हैं कि उन्हें लोगों का अंजाम नजर आता हो जो इनसे पहले गुजर चुके हैं और इनसे बहुत ज्यादा ताकत ताकतवर हैं ताकतवर थे अल्लाह को कोई चीज आजिश करने वाली नहीं अल्लाह को कोई चीज हरा नहीं सकती ना आसमानों में ना जमीन में वो सब कुछ जानता है और हर चीज पर कुदरत रखता है अगर कहीं वो लोग अगर कहीं वो लोगों को उनके करतूतों पर पकड़ता तो जमीन पर किसी मुतनफ़ किसी जानदार को जीता ना छोड़ता एक गुनाह करते अल्लाह गुन, अजाब दे देता हम एक दूसरा गुनाह करते अल्लाह अजाब दे देता तो आज हमारे हाथ पैर आंख नाक सब कटी पटी होती फिर अल्लाह सुबहान तला हमें जब पूरे गुनाह कर देते तो अल्लाह फिर हमें तबाह कर देता अगर ऐसा कर रहा होता हर अजाब पे अल्लाह सुबहान तला सजा दे रहे होते तो क्या होता अल्लाह फरमाता है जमीन में कोई बचता ही नहीं क्योंकि गुनागार तो सभी हैं सभी गुनाह कर रहे हैं अलबत्त कुछ अच्छे गुनागार यूं हैं कि वो तौबा कर लेते हैं जो अल्लाह के फरमा बरदार है करतूतों पर पकड़ता तो जमीन पर किसी मुतनफस किसी जानदार को जीता ना छोड़ता मगर वो उन्हें एक मुकर वक्त तक के लिए मोहलत दे रहा है फिर जब इनका वक्त उन आन पूरा होगा तो अल्लाह अपने बंदों को देख लेगा यानी हर इंसान का जब वक्त पूरा हो जाएगा अल्लाह फिर उससे हिसाब किताब ले लेगा सूर्य यासीन यासीन जो है हरूफ मुखतात है आप सल अलाम का नाम भी है और ये जो है इसको कुरान का दिल भी कहा गया है जिस तरह से हमारे दिल की पोजीशन है बॉडी में कैसी है पोजीशन कि दिल जो है लेफ्ट से थोड़ा सा हटके है ना बिल्कुल बीच में नहीं है और बिल्कुल साइड में भी नहीं है लेफ्ट की तरफ है लेकिन थोड़ा सा इस तरफ हटके है तो वैसे ही पोजिशन सूर्य यासिन की रखी गई है कुरान करीब में और दिल का काम क्या होता है सारे वजूद को हार्ट मतलब वो पम्प करना ना खून पम्प करना सारे वजूद को अः वो करना ऑर्गेनाइज करना खून के जरिए से तो यहाँ पर जो इस किताब का जो असल खून है जो ब्लड है वो क्या है तोहीद वन ऑफ अल्लाह अल्लाह शिरक से पाक है ये है असल इसका निचोड़ और दिल का काम है पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करना वैसे ही ये सूर्य यासीन जो है तौहीद के ऊपर बेस्ड है ठीक है जो कि पूरे कुरान का असल असल मैसेज है यासीन कसम है कुरान हकीम की कुरान हकीम हिकमत चाहिए कुरान से जुड़ना पड़ेगा विजडम चाहिए कुरान से जुड़ना पड़ेगा तो अल्लाह ने फरमा दिया कसम है कुरान हकीम की कुरान भी है हिकमत वाला भी है और अल्लाह रबुल्जत ने इसकी कसम भी उठा ली है कि तुम यकीन है रसूलों में से हो अब सारी दुनिया भी झुटला दे तो अल्लाह ने गवाही दे दी कि आप रसूलों में से हैं सीधे रास्ते पर हैं और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है अल्लाह रबुलजत बड़ा रहीम है और बड़ा गलबा रखने वाला है उसी ने इसको नाजिल किया है ताकि तुम खबरदार कर दो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार ना किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं जो अरब की बस्ती है उनके पास कोई नबी नहीं आया था आपको इसलिए नबी बनाकर भेजा ताकि आप इनको वन कर दें इनमें से अक्सर लोग फैसला आजाब के मुस्क हो चुके हैं इसीलिए वो ईमान नहीं लाते अल्लाह ने कहा कि इनके दिल इतने पुख्ता हो चुके हैं कि अल्लाह ने अब इनके ऊपर आजाब लिख दिया अब ये ईमान नहीं लाएंगे और ना लाने इनका लाने का इरादा नहीं है अल्लाह ने इसलिए आजाब इनके ऊपर लिख दिया हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, जिनसे वो थोड़ियों तक जकड़े गए हैं इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं यानी जिस तरह से किसी के गले में तोक पड़ा होता है और वो इधर उधर नहीं देख सकता गले में जो लोहे का जो रिंग पड़ा होता है जिसकी वजह से वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता अपने सर को तो अब ये तोक तो जाने दे अब आजकल के जो गले के दर्द के लिए जो हम बेल्ट बांधते हैं गले में तो कैसे उसे गर्दन की मूवमेंट रुक जाती है अल्लाह फरमा रहा है कि इनके सर ऐसे ही अकड़ गए हैं ये ना सज्जे में झुकेंगे ना अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं और ना ये ईमान लाने वाले हैं ऐसे जैसे इनके गलों में तोप पड़े और ये तो दुनियावी बात है एक मिसाल है लेकिन आखिरत में असल में तोप पड़ जाएंगे कि जब ये कयामत में सज्जा करना भी चाहेंगे तो अल्लाह असली तो इनके गलों में डाल देंगे जिससे ये हिल नहीं सकेंगे सज्जा भी नहीं कर सकेंगे चाहते हुए सजदा नहीं कर सकेंगे हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे हमने उन्हें ढांक दिया है उन्हें अब कुछ नहीं सूझता यानी कि ऐसा जैसे कि किसी के आगे और पीछे दीवार हो जाए खड़ी हो जाए तो वो आगे पीछे नहीं बढ़ सकता अल्लाह फरमा रहा है कि बस वो जहाँ है वह स्टिल हो गए ना ये कुफर आ, मतलब ये अब ना ईमान की तरफ आएंगे ना इनको कोई खैर का रास्ता दिखाई देगा इनके लिए यकसा है बराबर है तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो ये ना मानेंगे काफिरों की बात है खुल्ले काफिर जिन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया इनको खबरदार करो ना म, करो ना मानेंगे तुम तो इसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बे देखे बिना देखे खुदा रहमान से डरे उसे मकफिरत और अजर करीम अजर करीम की बशारत दे दो जो बगैर देखे अल्लाह से डरता है उसे खुशखबरी सुना दो कि उसके लिए जन्नत है हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं जो कुछ अफआल उन्होंने किए जो कुछ अमल उन्होंने किए वो सब हम लिखते जा रहे हैं और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सब्त करते जा रहे हैं हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है यानी अल्लाह ने कहा एक तो है रिटर्न बुक और एक है आसार आसार क्या होते हैं प्रिंट्स होते हैं जैसे फूट प्रिंट्स कैसे होते हैं फिंगर प्रिंट्स कैसे होते हैं वैसे आसार होते हैं आसार कहा जाता है किसी चीज की छाप छोड़ने को अब छाप क्या होती है कि अब अगर आप गौर करें आप जो भी अमल करते हैं कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए आप रोल मॉडल होते हैं ये बात याद रखें इस बात को याद रखें आप आ, आप और हम चाहे जितने गुनाहगार हो किसी ना किसी को ऐसा लगता है कि काश मैं इस जैसी होती जबकि हम बहुत गुनाहगार हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसा होता है काश हमें इसके जैसी होती काश मैंने ये किया होता तो जो आप कर रहे होते हैं अब जैसे आप जैसे आपकी मेड है आप किसी अंदाज में बहुत अच्छी तरह बात करते हैं उसको ऐसा लगता है कि बहुत मेरी मालकिन तो बहुत अच्छे से बात करती है तो मैं भी ऐसे ही जाके अपने घर में बात करूं आप उसके लिए रोल मॉडल बन जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर अल्लाह फरमा रहा है कि तुम आसार छोड़ रहे हो तुम लोगों के ऊपर छाप छोड़ रहे हो एक तो ये हो गई आसार वाली बात दूसरी आसार वाली बात क्या है कि जहां पर भी हम खड़े होकर कोई नेकी या गुनाह करते हैं वो जगह वो दीवारें सब कुछ हमारे लिए क्या बन जाते हैं गवाह बन जाते हैं अब अगर आप इमेजिन करें अगर आप इस चीज को उसमें ले लें अपने अकल में समाए, तो ये जो ज, जिस घर में जिस दीवारों में जहां पर बैठकर आप पुराने करीम की आप तिलावत सुन रहे हैं उसका मीन मीनिंग समझ रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप स्टिल नहीं है आप रुके हुए नहीं है आप ठहरे हुए नहीं है ये जो दुनिया है लगातार अपने ऑर्बिट पर घूम रही है वो उसका घूमना अल्लाह रबुल इज्जत ने ऐसा पोशीदा रखा हुआ है कि हमें फील नहीं होता हमें चक्कर नहीं आते लेकिन ये घूम रही है और हर जगह पर आपका जहां जहां वो अर्थ घूम रही है उस सब जगह पर आपके आसार छूट रहे हैं फला टाइम पर बारह बज के एक बज के उनतीस मिनट पर इस बंदी ने कुरान को सुना था अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं और ये जमीन जहां जहां घूमती जा रही सब जगह पर वो गवाह बनते जा रहे अल्लाह हाँ मैं भी गवाह गंवाह अल्लाह मैं भी गंवा हूं गवा हूं गंवाहूं गवा हूँ ऐसे वो घूमती जा रही है पूरी जमीन क्या कर, कर रही है आपके आसार छूटते जा रहे हैं और वो गवाह बनते जा रहे हैं कितनी बड़ी बात है ना ये कि अगर कोई गुनाह कर रहे हैं हम तो वो गुनाह के भी सब गवाह बनते जा रहे हैं एक तो इंसान का अपना ये हो होगा दूस, दूसरा मामला एक ये कि आप किसी के लिए रोल मॉडल हैं आप किसी के लिए मिसाली नमूना है तो आप उसके लिए आसार छोड़ रहे हैं और खास तौर पर माए जो होती हैं अपने औलाद के लिए आसार छोड़ती हैं क्योंकि लोग माँ से ज्यादा करेक्ट किसको समझते नहीं मेरी अम्मी ने कह दिया तो बस ठीक वो चाहे गलत भी कहे तो वो माँ ने कहा है ना तो बस ठीक है तो ये बचपन में खास तौर पर होता है ना बच्चे जब टीन एज से नहीं छोटे होते हैं तो खास तौर पर उस वक्त अब ये ये हो गया एक आसार एक ये हो गया कि दुनिया घूम रही है आसार फिर तीसरा आसार क्या है ये जो आपके बदन में जो बॉडी पार्ट्स है ये इनके ऊपर भी आप आसार और छाप छोड़ रहे हैं और ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना नाक इसको हम अपना ना समझे ये बहुत बड़े जासूस है इस है ये हम समझ रहे हैं ये हमारी आंख है ये हमारे हाथ है ये हमारे पैर है ये हमारे साथ होंगे कयामत के दिन हरगिज भी नहीं ये सब के सब हमारे खिलाफ गवाही देंगे अगर अल्लाह सुबहान तला की नाफरमानी कर दी हमने अल्लाह अकेले में बैठ के तन्हाई में गलत इस्तेमाल किया अपनी आंखों का तनहाई में बैठ के गलत टाइपिंग की गलत लोगों को लोगों से रब्ता किया अल्लाह सुबहान तला हर चीज का हमें क्या ये पूरी बॉडी पार्ट हमारे गवाह बन जाए हर कोई तो आपने उन पर भी आसार छोड़ दिया वो कयामत के दिन गवाही देंगे ये फरिश्ते ये फरिश्तों के ऊपर हम आसार छोड़ रहे हैं ये भी लिख रहे हैं गवाही देंगे ठीक है वो तो अल्लाह ने मेंशन कर दिया कि लिख रहे हैं और फिर आसार भी हम छोड़ते जा रहे हैं तो सोचते रहें और गौर करें कि कितनी जगह है और कितनी दीवारें और कितने जमीन और कितने लम्हात और कि कौन कौन सा वक्त और कौन से कौन से फरिश्ते और कौन कौन से आजा बदन के, के हमारे खिलाफ गवाही दे देंगे अगर हम गुनाह करेंगे और हमारे हक में गवाही देंगे अगर हम नेकी करेंगे तो याद रखें कि अल्लाह की ज़मीन पर हम ऐसा कोई बुरा असर ना छोड़ें ऐसी कोई बुरी वाइफ ना छोड़ें जो कि कयामत के दिन हमारे खिलाफ हजत बनकर खड़ी हो जाए तो अल्लाह फरमाता है वैसे बहुत इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है हम आगे बढ़ जाते हैं वक्त की कमी है और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं ना जमीन आगे बढ़ती जा रही है और हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं वो छाप आसार छोड़े हैं उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सब्त करते जा रहे हैं उनको भी प्रिंट करते जा रहे हैं हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है अल्लाह अकबर अल्लाह सुबह हमें बेहतरीन आसार छोड़ने वाला बनाए अल्लाह सुबहान ऐसे आसार छोड़ने वाला बनाए कि कयामत में हमारे हक में वो हिज्जत करने वाले हों उन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे हमने उनकी तरफ दो रसूल भेजे एक बस्ती के बारे में सच्चा वाक्य है कि एक बस्ती है उसके अंदर दो दो रसूल आ गए अब नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किए गए ठीक है तो दो रसूल आ गए उस बस्ती के पास मैसेज क्या है उस पर गौर करने की जरूरत है एक ही बस्ती में तीन तीन रसूल है लेकिन ना मानने वाले देखें कैसे इनकार करते हैं हमने उनकी तरफ दो रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुटला दिया फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा जैसे हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा वैसे दो रसूलों की मदद के लिए एक और अल्लाह ने भेज दिया और उन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान तुम तीनों हमारे जैसे इंसान हो और हम तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बात को कुछ अहमियत नहीं देते और खुदा रहमान ने हर गिज कोई चीज नाजिल नहीं की है तुम महज झूठ बोलते हो तुम झूठे हो कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम लेकर आए हो तोहहीद वाली ये तो तुम्हारे झूठी गड़ी हुई बातें तीनों रसूलों को उन्होंने झुटला दिया रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं यानी अल्लाह की गवाही अल्लाह 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 को गवाह बनाकर हम कह रहे हैं कि हम रसूल हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए पाले बद समझते हैं हम तो समझते हैं कि बुरा शगुन लग गया हमारे लिए तो एक तुम बुरे नवजुबिल्ला तुम मनहूस हो हमारे लिए इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संसार कर देंगे मतलब स्टोनिंग करेंगे पथराव कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे अल्लाह अकबर यानी जो हक बता रहा है जो खैर फाई कर रहा है जो अच्छा चाह रहा है वो बुरा लग रहा है और जो बुराई की तरफ लेकर जा रहा है वो अच्छा लग रहा है यही मामला है हमारा भी रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है यानी तुम्हारी मनहूसत तुम्हारी मनहूसियत तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है किस तरह कि तुम कुफर और शिरक में मुबतला नहुसत से बड़ी क्या चीज है यही सबसे बड़ी नहुसत है क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई है अगर तुम्हें नसीहत बुरी लग रही है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला ऐ मेरी कौम के लोगों रसूलों की पैरवी इख्तियार कर लो मतलब एक दूर दर दराज में उसने कहीं सुना होगा कि फुला बस्ती में कोई रसूल है तो उसने हक को मान लिया देखें हक को मानने के लिए ये नहीं है कि सामने रसूल खड़े होकर कहे तभी बात मानी जाएगी जिसके दिल में जरा सी भी खैर होती है ना वो दूर से भी क्या कर लेता है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है वो भी मान ले आया और आके क्या कर रहा है फौरन तबलीग कर रहा है अल्लाह अकबर यानी जैसे ही उसको हक पता चला वो आके उस चीज को हक को बयान करना उसने शुरू कर दिया पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर है यानी बता दिया गया कि जो सा, जो तीनों जो रसूल हैं और जो अल्लाह इज़्ज़त के रास्ते की तरफ बुलाने वाले हैं वो सब हमेशा हक पर होते हैं और वो कभी भी किसी से कोई अजर नहीं मांगते वो सिर्फ अल्लाह की खातिर क्या करते हैं दावत का काम करते हैं और इस बात को हमेशा याद रखें कि जो दावत का काम करता है या जो दीन की तरफ बुलाता है अपने अमल से अपने अल्फाज से जिससे भी किसी और को फायदा हो ना हो उसकी अपनी जात को कम से कम फायदा हो जाता है तो हमेशा इस चीज से पीछे ना हटे आप अपने चाहे अखलाक को दुरुस्त करें चाहे नहीं इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें ताकि अगर आप बोले भी नहीं तो आप चलते फिरते मुसलमान दिखाई दें आप चलते फिरते मुबल दिखाई दें अल्लाह सुबहान तला हमें ऐसा मुबलिक बना दे कि जिनके अखलाक से लोग ईमान ले आए

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته